हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करेंगे उसका नाम है स्पाइडर मैन एक क्रॉज द स्पाइडर वर्स तो इस फिल्म से जुड़े सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले फिल्म का हिंदी वर्जन दूसरे तो सभी जो मल्टीपल लैंग्वेज में इस फिल्म को रिलीज़ किया हुआ है तो वो सभी वर्ज़न कहाँ पे कैसे आपको ऑफिशियली देखने को मिलेंगे उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे इसके अलावा फिल्म से जुड़े सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले फिल्म का रिव्यू करेंगे साथ ही में अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत करेंगे और फिल्म से जुड़े सभी तथ्य भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं स्पाइडर मैन एक स्पाइडर ये एक दो के अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड सुपर हीरो फिल्म है जिसको मार्वल को मार्वल कॉमिक के जो किरदार थे माइल्स मॉरल्स या स्पाइडर मैन उससे इंस्पाइड होकर क्रिएट किया हुआ है फिल्म को डिरेक्ट किया हुआ था जो जैकवेन डोज सेंटोज केम पोवर्स और पावर्स और जस्टिन के थोम्पसन ने इसके अलावा कहानी में फिल लोड क्रिस्टोफर माइल मिलर देव कल ने काम किया हुआ था जहाँ मोरवल मार्वल कॉमिक के किरदार के ऊपर इसकी कहानी को क्रिएट किया हुआ था फिल लोड क्रिस्टोफर मिलर एमी पासकल एवी एरेड और क्रिस्टिना स्टेरबर्ग ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे कोलम्बिया पिक्चर्स मार्वल इंटरटेनमेंट सोनी पिक्चर्स एनिमेशन पास्कल पिक्चर्स लोड मिलर प्रोडक्शन और आर प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सोने पिक्चर्स रिलीजिंग के द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था वर्ल्ड वाइड लेवल पे बड़े पैमाने पे जहाँ पे फिल्म का बजट करीबन 100 यूएस मिलियन डॉलर था, था, था काफ़ी हाई बजट के साथ बनाई गई फिल्म थी जहाँ पे एडिटिंग फिल्म के माइकल एंड्रयू ने की हुई थी जिन्होंने इस फिल्म को एक यानी कि दो घंटे बीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ था इसके अलावा म्यूजिक में डेनियल पेमरबल्टोन ने काम किया हुआ था जहाँ पर बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स उनके द्वारा क्रिएट किए गए थे वॉइस कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो सामिक मोर इस फिल्म में माइल्स मॉरल्स या स्पाइडरमैन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो टीनेजर है अफ्रीकन अमेरिकन और फ्योटो रिकन डिस इसके अलावा हेली स्टेनफील्ड ने इस फिल्म में गुवेन स्टेक्सी और स्पाइडर वूमन का रोल प्ले किया हुआ है ब्रायन टायर हेनरी को जेफ मोरल्स ने वॉइस ओवर दे दिया हुआ था उसकी दर के लिए इसके अलावा लूरा लॉरेंस वेल्स ने इसमें रियो मोरल्स का वॉइस ओवर किया हुआ था जेक जॉनसन ने पीटर बी पार्कर यानि स्पाइडरमैन का वॉइस ओवर दिया हुआ था जेसन स्वेटमैन ने इस फिल्म में जॉन जोनाथन ऑन द स्पॉट का जो वॉइस ओवर था वो दिया हुआ था इज राय ने इस फिल्म में जेज ट्री और स्पाइडर वोमन का वॉइस ओवर दिया हुआ था करण सोनी को पवित्र प्रभाकर यानी कि स्पाइडर मैन इंडिया का वॉइस ओवर दे दिया गया था इसके अलावा इस फिल्म में सीविंगम ने जॉर्ज टेसी का वॉइस ओवर दिया हुआ था कलवा कलिया ने, कल कल ने इस फिल्म में हॉबी ब्राउन यानी कि स्पाइडर पंख का वॉइस और दिया हुआ था महर महरसाला अली ने इस फिल्म में एरोन डेविस का वॉइस और दिया हुआ है ओस्कार आइजेक ने इस फिल्म में मिलेगा ओक हरा यानी कि स्पाइडर नाइट ट्वेंटी नाइन्टी नाइन का वॉइस ओवर दिया हुआ था इसके अलावा और भी कई कास्ट थी जहाँ पे कुछ किरदारों को अलग अलग आर्टिस्ट ने वॉइस ओवर दिया हुआ था प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो स्पाइडर मैन इंटू द स्पाइडर वर्स फिल्म थी और 2018 में बनाई गए थे 2018 के एंड में उस फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब एक अच्छा रिस्पांस मिला उसके बाद में मेकर्स ने इसके कॉल्स के ऊपर भी अनाउंसमेंट की हुई थी और उसके बीच में कोविड आ गया जिसके चलते शूटिंग काफ़ी डिले हो गई जो काम था वो नवम्बर दो में स्टार्ट होने वाला था लेकिन उसके बाद में चीज़ों को डिले किया गया और फिल्म की शूटिंग को दो के सॉरी फिल्म की जो का का प्रोसेस है उसके ऊपर दो से काम किया गया और 2023 के एंड तक इस फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया हुआ था तो ये 2023 में पूरी तरह से फिल्म को कंप्लीट करा जहाँ पे 240 किरदार इस फिल्म के साथ जुड़े हुए थे करीबन छः यूनिवर्स के साथ लिए गए थे करीबन हज़ार ऐसे लोग थे जो इस एनिमेशन फिल्म के साथ जुड़े हुए थे और ऐसा पहली बार किसी फिल्म के साथ हुआ था तो इस तरह से स्पाइडर मैन एक स्पाइडर वर्स के फिल्म के ऊपर डिटेलिंग में काम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की जो काम जो प्रोसेस थी जिस तरह की कास्टिंग थी वो सभी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से की गई थी वॉइस ओवर आर्टिस्ट के एनिमेशन और डिज़ाइन के ऊपर भी काफ़ी लंबे समय तक इसके ऊपर प्रोसेस की गई थी जहाँ पे अलग अलग, अलग कंट्रीज़ के लिए अलग अलग जो एनिमेशन के प्रोजेक्ट थे वहाँ पे दिए गए थे जहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट करवाए बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में इस फिल्म को पूरी तरह से तैयार करवा के सेंसर करवाया और रिलीज के लिए तैयार करवाया हुआ था स्पाइडर मैन एक स्पाइडर वस फिल्म है उसके साउंड ट्रैक के ऊपर भी काफी बढ़िया काम किया गया था सैंतालीस मिनट दस सेकंड का साउंड ट्रैक था हिप हॉप ट्रैप और पॉप जोनर के साथ क्रिएट किया हुआ था दो जून दो को रिलीज किया हुआ था जहाँ पे भूमि और रिपब्लिक बैनर के द्वारा क्रिएट किया गया था और ये करीबन तेरह ट्रैक थे डिलक्स एडिशन में मिला ले तो टोटल अठारह ट्रेक थे इसके अलावा और भी कहीं जो गाने थे जो बैकग्राउंड था वो काफी सक्सेसफुल साबित हुआ था लोगों के बीच में पसंद आया था अब हम बात कर लेते हैं रिलीज के ऊपर स्पाइडर मैन एक स्पाइडर जो फिल्म है वो काफी एक अच्छी रिलीज ले गई थी जहाँ पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक डिसेंट रिस्पॉन्स मिला जहाँ पे तीस मई दो हज़ार तेईस को पहले प्रीमियर करवाया गया रेजेंसी विलेज थिएटर में उसके बाद में दो जून दो हज़ार तेईस को यू एस कैनेडा इंडिया अलग अलग कंट्रीज़ में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया हंड्रेड यू एस मिलियन डॉलर के बजट के साथ जब फिल्म को रिलीज़ किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी पे करीबन दो लाख सोलह हज़ार वोट हासिल हुए जिसमें आठ पॉइंट आठ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पांस हासिल किया जिसके चलते इस फिल्म का जो एक क्रेज़ था लोगों के बीच में अच्छा बन गया और आने वाले सिकवल के लिए स्पिन ऑफ के लिए भी काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई और फिल्म ने डे बाय डे जिस तरह का कलेक्शन किया वो अपने आप में बड़ी बात है हंड्रेड यू मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस फिल्म ने छः लाख चौरासी हज़ार बीस यू मिलियन डॉलर का वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था बॉक्स ऑफिस ब्लॉक साबित हुई थी जहाँ पे इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स हासिल किया था जो फिल्म की कहानी थी जहाँ पे माइल्स मोरल्स यानी कि सैमिक मोर है जो ब्रुकलिन का ना फ्रेंडली नेबरहुड है स्पाइडरमैन का जो अपने खुद की जिंदगी में एक बिजी है जहाँ पे उसका एक लव इंटरेस्ट है टेंसी करके जो माइल्स धीरे धीरे अलग अलग जो स्पाइ डिफरेंट स्पाइडर है पीपल है उस यूनिवर्स के साथ वो कैसे जॉइंट होता है उसके बाद में किस तरह से जो चीज़ें वो अलग हो जाती है किस तरह से क्या मुसीबतें आती है उसके सामने वो कैसे खड़े रहते हैं वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी बताई गई है फर्स्ट पार्ट काफ़ी बड़ा हिट था तो सेकंड पार्ट के ऊपर आसानी से काफ़ी एक हाई एक्सपेक्टेशन थी उस एक्सपेक्टेशन के ऊपर एक फुलफिल पूरी तरह से होती है जो काफ़ी बढ़िया तरीके से डिफरेंट यूनिवर्स को जो क्रिएट किया हुआ था उसको जॉइट किया तो वो बढ़िया था कंप्यूटर एनिमेशन में जो सुपर हीरो क्रिएट किया हुआ है उसमें जो फिल्में बनाई गई ये फिल्म उसमें काफ़ी इन्जॉयबल है इमोशंस काफ़ी बढ़िया थे कन्वर्जेशन बढ़िया तरीके से क्रिएट की गई थी एक स्क्रीन प्ले अच्छा लिखा हुआ था अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर्स जिस तरह से इन्वॉल्व किए हुए थे वो आपको फिल्म में एक बढ़िया एंटरटेनमेंट देते फिल्म में माइल्स और क्वेन की जो केमिस्ट्री दिखाई हुई है वो बढ़िया थी इसके अलावा इमोशनल सीन्स में जिस तरह से चीज़ों को क्रिएट किया हुआ पेरेंट्स के बीच में क्वेन के बीच में वो वॉचेबल वो था डायलॉग्स अच्छी तरह से लिखे गए थे डेप्थ थे उसमें और इसके अलावा वॉइस और आर्टिस्ट की तरफ से काफी बढ़िया काम किया गया था ओवरऑल इस फिल्म में सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी हाँ कुछ ऐसी चीजें थी जिसको सुधारा जा सकता था डायरेक्शन निरेशन फिल्म का काफ़ी नीट नज़र आता है इसके अलावा बैकग्राउंड स्कोर भी काफ़ी बढ़िया था विजुअल्स काफ़ी स्टनिंग नज़र आते तो प्रोडक्शन वैल्यू तो वैसे भी काफ़ी टॉप चरी थी एडिटिंग में थोड़ी चीज़ें और ऐसी थी अननेसेसरी सेंस थे जिसको चॉप अप किया जा सकता था जिसके चलते पाँच दस मिनट और छोटी हो जाती फिल्म क्रिस्प हो जाती बढ़िया हो जाती ओवरऑल विजुअली एन्जॉएबल फिल्म है जहाँ पे आ, एंगेजिंग स्टोरी लाइन तो वैसी डीप में नहीं है पर लेकिन पार्ट्स वाइज फिल्म अच्छी वर्क करती है ये फिल्म वैसे कोई डिसअपॉइंट तो नहीं करेगी क्योंकि फिल्म में जिस तरह चीज़ों को दिखाया वो बढ़िया है तो इस फिल्म को आप ज़रूर देख सकते हो अब बात कर ले कैसे कहाँ पे इस फिल्म को ऑफिशियली देख सकते हो उसके ऊपर तो इस फिल्म को ऑफिशियली आप देख सकते हो जी फाइव ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर अमेज़न प्राइम वीडियो ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को रेंटली अवेलेबल किया हुआ है जी फाइव के ऊपर थ्री नाइन्टी नाइन में और अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर थ्री नाइन्टी नाइन में दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर आपको ये फ़िल्म काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेजेज़ में देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म में का हिंदी तमिल तेलुगु गुजराती इंग्लिश मराठी सभी वर्जन अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर अवेलेबल है तो वहाँ पर इंजॉय कर सकते हो इसके अलावा स्पाइडर मैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स जो फिल्म है वो एक अच्छी फिल्म है इसे देखना चाहिए जहां पे इस फिल्म का अगर आपको ओ टी टी वर्जन नहीं देख पा रहे हो तो सैटेलाइट वर्जन है वो सोनी वालों ने खरीदा हुआ है तो सोनी मैक्स एक सोनी मैक्स एचडी एच डी चैनल के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन स्पाइडर मैन द स्पाइडर वर्स बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ स्पाइडर मैन जो फिल्म है उसको आप प्लेटफॉर्म के ऊपर फिलहाल में थ्री नाइनटी नाइन रुपीज पे करके ऑफिशियली देख सकते हो इसके अलावा इस फिल्म को वहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेज में अवेलेबल किया हुआ है फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो सोनी मैक्स के पास है तो उन्होंने इस फिल्म को कई बार प्रीमियर करवाया हुआ है तो स्पाइडर मैन द स्पाइडर वर्स फिल्म वहाँ पे हिंदी वर्जन में आप बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से स्पाइडर मैन द स्पाइडर वर्स फिल्म मल्टीपल लैंग्वेजेस में ओटीटी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स एक 2023 के अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड सुपर हीरो फिल्म है जिसको मार्वल मार्वल कॉमिक के जो किरदार थे माइल्स मोरल्स या स्पाइडरमैन उससे इंस्पायर्ड होकर क्रिएट किया हुआ है फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था जो जैक मेन डोज़ और पावर्स और जस्टिन के थम्पसन ने इसके अलावा कहानी में फिल लोड क्रिस्टोफर माइल मिलर देव कैलहम ने काम किया हुआ था जहाँ मार्वल कॉमिक के किरदार के ऊपर इसकी कहानी को क्रिएट किया हुआ था फिल लोड क्रिस्टोफर मिलर एमी पासकल एवी एरेड और क्रिश्चिना स्टेरबर्ग ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे कोलंबिया पिक्चर्स मार्वल इंटरटेनमेंट सोनी पिक्चर्स एनिमेशन पास्कल पिक्चर्स लॉर्ड मिलर प्रोडक्शन और अरा प्र... प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सोने पिक्चर्स रिलीजिंग के द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था वर्ल्ड वाइड लेवल पे बड़े पैमाने पे, पे जहाँ पे फिल्म का बजट करीबन हंड्रेड यूएस मिलियन डॉलर था, था, था काफ़ी हाई बजट के साथ बनाई गई फिल्म थी जहाँ पे एडिटिंग फिल्म के माइकल एंड्रयू ने की हुई थी जिन्होंने इस फिल्म को एक यानी कि दो घंटे बीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ था इसके अलावा म्यूजिक में डेनियल पेमरबल्टोन ने काम किया हुआ था जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स उनके द्वारा क्रिएट किए गए थे वॉइस कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो समेक मोर इस फिल्म में माइल्स मॉरल्स या स्पाइडरमैन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो टीनेजर है अफ्रीकन अमेरिकन और फ्योटो तो रिक एन डिस इसके अलावा हेली स्टेनफील्ड ने इस फिल्म में गेंस टैक्सी और स्पाइडर वुमन का रोल प्ले किया हुआ है प्राइन टायर हेनरी कोह जेफ मॉरल्स ने वॉइस ओवर दिया होता उसके दर के लिए इसके अलावा लूरा लॉरेंस वेल्स ने इसमें रियो मोरल्स का वॉइस ओवर किया हुआ था जेक जॉनसन ने पीटर बी पार्कर यानी स्पाइडरमैन का वॉइस ओवर दिया हुआ था जेसन स्वर्टमैन ने इस फिल्म में जॉन जोनाथन ओन ऑन द स्पॉट का जो वॉइस ओवर था वो दिया हुआ था इज राय ने इस फिल्म में जेज ट्री और स्पाइडर वुमन का वॉइस ओवर दिया हुआ था करण सोनी को पवित्र प्रभाकर यानी कि स्पाइडर मैन इंडिया का वॉइस ओवर दे दिया गया था इसके अलावा इस फिल्म में सीविंगम ने जॉर्ज टेसी का वॉइस ओवर दिया हुआ था ली ने वॉइस दिया हुआ है कलवा कलिया ने इस फिल्म में हॉबी ब्राउन यानी कि स्पाइडर पंख का वॉइस और दिया हुआ था महर आ, महरसाला अली ने इस फिल्म में एरन डेविस का वॉइस और दिया हुआ है ओस्कार आइजेक ने इस फिल्म में मिलेगा ओक रहा यानी कि स्पाइडर नाइट ट्वेंटी नाइन्टी नाइन का वॉइस ओवर दिया हुआ था इसके अलावा और भी कई कास्ट थी जहाँ पे कुछ किरदारों को अलग अलग आर्टिस्ट ने वॉइस ओवर दिया हुआ था प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो स्पाइडर मैन इंटू द स्पाइडर वर्स फिल्म थी और 2018 में बनाई गई थी 2018 के एंड में उस फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब एक अच्छा रिस्पांस मिला उसके बाद में मेकर्स ने इसके सिकल्स के ऊपर भी अनाउंसमेंट की हुई थी और उसके बीच में कोविड आ गया जिसके चलते शूटिंग काफ़ी डिले हो गई जो काम था वो नवम्बर दो में स्टार्ट होने वाला था लेकिन उसके बाद में चीज़ों को डिले किया गया और फिल्म की शूटिंग को दो के सॉरी फिल्म की जो का, 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 का प्रोसेस है उसके ऊपर दो से काम किया गया और 2023 के एंड तक इस फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया हुआ था तो ये 2023 में पूरी तरह से फिल्म को कंप्लीट करा जहाँ पे 240 किरदार इस फिल्म के साथ जुड़े हुए थे करीबन छः यूनिवर्स के साथ लिए गए थे करीबन हज़ार ऐसे लोग थे जो इस एनिमेशन फिल्म के साथ जुड़े हुए थे और ऐसा पहली बार किसी फिल्म के साथ हुआ था तो इस तरह से स्पाइडर मैन एक स्पाइडर वर्स के फिल्म के ऊपर डिटेलिंग में काम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की जो काम जो प्रोसेस थी जिस तरह की कास्टिंग थी वो सभी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से की गई थी वॉइज और आर्टिस्ट के एनिमेशन और डिज़ाइन के ऊपर भी काफ़ी लंबे समय तक इसके ऊपर प्रोसेस की गई थी जहाँ पे अलग अलग, अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग जो एनिमेशन के प्रोजेक्ट थे वहाँ पे दिए गए थे जहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट करवाए बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में इस फिल्म को पूरी तरह से तैयार करवा के सेंसर करवाया और रिलीज के लिए तैयार करवाया हुआ था स्पाइडर मैन एक स्पाइडर वस फिल्म है उसके साउंड ट्रैक के ऊपर भी काफ़ी बढ़िया काम किया गया था सैंतालीस मैं मिनट दस सेकंड का साउंड ट्रैक था हिप हॉप ट्रैप और पॉप जोनर के साथ क्रिएट किया हुआ था दो जून दो को रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे भूमि नाथे और रिपब्लिक बैनर के द्वारा क्रिएट किया गया था और ये करीबन तेरह डिलक्स एडिशन में मिला ले तो टोटल अट्ठारह ट्रेक थे इसके अलावा और भी कहीं जो गाने थे जो बैकग्राउंड था वो काफी सक्सेसफुल साबित हुआ था लोगों के बीच में पसंद आया था अब हम बात कर लेते हैं रिलीज के ऊपर स्पाइडरमैन स्पाइडर स्पाइडरवर्स जो फिल्म है वो काफ़ी एक अच्छी रिलीज ली गई थी जहाँ पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक डिसेंट रिस्पांस मिला जहाँ पे 30 मई 2023 को पहले प्रीमियर करवाया गया रेजेंसी विलेज थिएटर में उसके बाद में 2 जून 2023 को यूएस कनाडा इंडिया अलग अलग कंट्रीज़ में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया 100 यू मिलियन डॉलर के बजट के साथ जब फिल्म को रिलीज़ किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी पे करीबन दो वोट हासिल हुए जिसमें आठ आठ की रेटिंग हासिल हुई दस में से

और फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पांस हासिल किया जिसके चलते इस फिल्म का जो एक क्रेज था लोगों के बीच में अच्छा बन गया और आने वाले सिकवल के लिए स्पिन ऑफ के लिए भी काफी बढ़िया तरीके से एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई और फिल्म ने डे बाय डे जिस तरह का कलेक्शन किया वो अपने आप में बड़ी बात है हंड्रेड यू मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस फिल्म ने छह लाख चौरासी हजार बीस यू मिलियन डॉलर का वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था बॉक्स ऑफिस ब्लॉक साबित हुई थी जहाँ पे इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स हासिल किया था जो फिल्म की कहानी थी जहाँ पे माइल्स मोरल्स यानी कि सेमिक मोर है जो ब्रुकलिन का ना फ्रेंडली नेबरहुड है स्पाइडरमैन का जो अपने खुद की जिंदगी में एक बिजी है जहाँ पे उसका एक लव इंटरेस्ट इंटरेस्टेंसी करके जो माइल्स धीरे धीरे अलग अलग जो स्पाइ डिफरेंट स्पाइडर है पीपल है उस यूनिवर्स के साथ वो कैसे जॉइंट होता है उसके बाद में आ, किस तरह से जो चीज़ें वो अलग हो जाती है किस तरह से क्या मुसीबतें आती है उसके सामने वो कैसे खड़े रहते हैं वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी बताई गई है फर्स्ट पार्ट काफ़ी बड़ा हिट था तो सेकंड पार्ट के ऊपर आसानी से काफ़ी एक हाई एक्सपेक्टेशन थी उस एक्सपेक्टेशन के ऊपर एक फुलफिल पूरी तरह से होती है जो काफ़ी बढ़िया तरीके से डिफरेंट यूनिवर्स को जो क्रिएट किया हुआ था उसको जॉइन किया तो वो बढ़िया था कंप्यूटर एनिमेशन में जो सुपर हीरो क्रिएट किया हुआ है उसमें जो फिल्में बनाई गई ये फिल्म उसमें काफ़ी इंजॉयबल है इमोशंस काफ़ी बढ़िया थे कन्वर्जेशन बढ़िया तरीके से क्रिएट की गई थी एक स्क्रीन प्ले अच्छा लिखा हुआ था अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर्स जिस तरह से इन्वॉल्व किए हुए थे वो आपको फिल्म में एक बढ़िया एंटरटेनमेंट देते फिल्म में माइल्स और क्वेंट की जो केमिस्ट्री दिखाई हुई है वो बढ़िया थी इसके अलावा इमोशनल सीन्स में जिस तरह से चीजों को क्रिएट किया हुआ है पेरेंट्स के बीच में क्वेन के बीच में वो वॉचेबल था डायलॉग्स अच्छी तरह से लिखे गए थे डेप्थ थे उसमें और और इसके अलावा आर्टिस्ट की तरफ से काफी बढ़िया काम किया गया था ओवरऑल इस फिल्म में ये सभी चीजें काफी बढ़िया थी हाँ कुछ ऐसी चीजें थी जिसको सुधारा जा सकता था डायरेक्शन निरेशन फिल्म का काफी नीट नजर आता है इसके अलावा बैकग्राउंड स्कोर भी काफी बढ़िया था विजुअल्स काफी स्टनिंग नजर आते तो प्रोडक्शन वैल्यू तो वैसे भी काफी टॉप थी, एडिटिंग में थोड़ी चीज़ें और ऐसी थी अननेसेसरी जिसको चॉप अप किया जा सकता था जिसके चलते पाँच दस मिनट और छोटी हो जाती फिल्म क्रिस्प हो जाती बढ़िया हो जाती ओवरऑल विजुअली एंजॉयल फिल्म है जहाँ पे एंगेजिंग स्टोरी लाइन तो वैसी डीप में नहीं है पर लेकिन पार्ट्स वाइज फिल्म अच्छी वर्क करती है ये फिल्म वैसे कोई डिसअपॉइंट तो नहीं करेगी क्योंकि फिल्म में जिस तरह चीज़ों को दिखाया वो बढ़िया है तो इस फिल्म को आप जरूर देख सकते हो अब बात कर ले कैसे कहाँ पे इस फिल्म को ऑफिशियली देख सकते हो उसके ऊपर तो इस फिल्म को ऑफिशियली आप देख सकते हो जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर अमेज़न प्राइम वीडियो ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को रेंटल अवेलेबल किया हुआ है जी फाइव के ऊपर थ्री नाइन्टी नाइन में और अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर थ्री नाइन्टी नाइन में दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर आपको ये फ़िल्म काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेज में देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म में का हिंदी तमिल तेलुगू गुजराती इंग्लिश मराठी सभी वर्जन अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर अवेलेबल है तो वहाँ पे इन्जॉय कर सकते हो इसके अलावा स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर जो फिल्में वो एक अच्छी फिल्म है इसे देखना चाहिए जहाँ पे इस फिल्म का अगर आपको ओ टी टी वर्जन नहीं देख पा रहे हो तो सैटेलाइट वर्जन है वो सोनी वालों ने ख़रीदा हुआ है तो सोनी मैक्सो सोनी मैक्स एच डी चैनल के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन स्पाइडर मैन द द्पाइडर वर्स बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ स्पाइडर मैन एकर द स्पाइडर वर्स जो फिल्म है उसको आप सी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर फिलहाल में थ्री नाइन्टी नाइन रुपीज़ पे करके ऑफिशियली देख सकते हो इसके अलावा इस फिल्म को वहाँ पर

जिसको मार्वल को मार्वल कॉमिक के जो किरदार थे माइल्स मोरल्स या स्पाइडरमैन उससे इंस्पायर होकर क्रिएट किया हुआ है फिल्म को डरेक्ट किया हुआ था जो जैकमैन डोज सेंटोज के पावर्स और पावर्स और जस्टिन के थॉमसन ने इसके अलावा कहानी में फिल लोड क्रिस्टोफर माइल मिलर देव कलहम ने काम किया हुआ था जहाँ मोरवल मार्वल कॉमिक के किरदार के ऊपर इसकी कहानी को क्रिएट किया हुआ था फिल लोड क्रिस्टोफर मिलर एमी पास्कल एवी एरेड और क्रिस्टिना स्टेरबर्ग ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे कोलम्बिया पिक्चर्स मार्वल इंटरटेनमेंट सोनी पिक्चर्स एनिमेशन पास्कल पिक्चर्स लॉर्ड मिलर प्रोडक्शन और आर प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सोने पिक्चर्स रिलीजिंग के द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था वर्ल्ड वाइड लेवल पे बड़े पैमाने पे, पे जहाँ पे फिल्म का बजट करीबन 100 यूएस मिलियन डॉलर था, था, था काफ़ी हाई बजट के साथ बनाई गई फिल्म थी जहाँ पे एडिटिंग फिल्म के माइकल एंड्रयू ने की हुई थी जिन्होंने इस फिल्म को एक यानी कि दो घंटे बीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ था इसके अलावा म्यूजिक में डेनियल पेमरबल्टोन ने काम किया हुआ था जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स उनके द्वारा क्रिएट किए गए थे वॉइस कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो सामिक मोर इस फिल्म में माइल्स मॉरल्स या स्पाइडरमैन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो टीनेजर है अफ्रीकन अमेरिकन और रिस, आ, है। इसके अलावा हेली स्टेनफील्ड ने इस फिल्म में गेंस टैक्सी और स्पाइडर वूमन का रोल प्ले किया हुआ है प्राइन टायर हेनरी को जेफ मोरल्स ने वॉइस ओवर दे दिया हुआ था उसकी दर के लिए इसके अलावा लूरा लॉरेंस वेल्स ने इसमें रियो मोरल्स का वॉइस ओवर किया हुआ था जेक जॉनसन ने पीटर बी पार्कर यानि स्पाइडरमैन का वॉइस ओवर दिया हुआ था जेसन स्वेटमैन ने इस फिल्म में जॉन जोनाथन ऑन द स्पॉट का जो वॉइस ओवर था वो दिया हुआ था इज राय ने इस फिल्म में जेज ट्री और स्पाइडर वुमन का वॉइस ओवर दिया हुआ था करण सोनी को पवित्र प्रभाकर यानी कि स्पाइडर मैन इंडिया का वॉइस ओवर दे दिया गया था इसके अलावा इस फिल्म में सीविंगम ने जॉर्ज टेसी का वॉइस ओवर दिया हुआ था ली ने वॉइस और दिया हुआ है डेनियल कलिया ने इस फिल्म में हॉबी ब्राउन यानी कि स्पाइडर पंक का वॉइस और दिया हुआ था महर आ, महरसाला अली ने इस फिल्म में एरन डेविस का वॉइस और दिया हुआ है ओस्कार आइजेक ने इस फिल्म में मिलेगा ओक रहा यानी कि स्पाइडर नाइट ट्वेंटी नाइन्टी नाइन का वॉइस ओवर दिया हुआ था इसके अलावा और भी कई कास्ट थी जहाँ पे कुछ किरदारों को अलग अलग आर्टिस्ट ने वॉइस ओवर दिया हुआ था प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो स्पाइडर मैन इंटू द वर्स फिल्म थी और 2018 में बनाई गए थे 2018 के एंड में उस फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब एक अच्छा रिस्पांस मिला उसके बाद में मेकर्स ने इसके सी के ऊपर भी अनाउंसमेंट की हुई थी और उसके बीच में कोविड आ गया जिसके चलते शूटिंग काफ़ी डिले हो गई जो काम था वो नवम्बर दो में स्टार्ट होने वाला था लेकिन उसके बाद में चीज़ों को डिले किया गया और फिल्म की शूटिंग को दो के सॉरी फिल्म की जो का का, का, का प्रोसेस है उसके ऊपर दो से काम किया गया और 2023 के एंड तक इस फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया हुआ था तो ये 2023 में पूरी तरह से फिल्म को कंप्लीट करा जहाँ पे 240 किरदार इस फिल्म के साथ जोड़े हुए थे करीबन छः यूनिवर्स के साथ लिए गए थे करीबन हज़ार ऐसे लोग थे जो इस एनिमेशन फिल्म के साथ जुड़े हुए थे और ऐसा पहली बार किसी फिल्म के साथ हुआ था तो इस तरह से स्पाइडर मैन एक स्पाइडर वर्स के फिल्म के ऊपर डिटेलिंग में काम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की जो काम जो प्रोसेस थी जिस तरह की कास्टिंग थी वो सभी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से की गई थी वॉइस ओवर आर्टिस्ट के एनिमेशन और डिज़ाइन के ऊपर भी काफ़ी लंबे समय तक इसके ऊपर प्रोसेस की गई थी जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के लिए अलग अलग जो एनिमेशन के प्रोजेक्ट थे वहाँ पे दिए गए थे जहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट करवाया बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में इस फिल्म को पूरी तरह से तैयार करवा के सेंसर करवाया और रिलीज के लिए तैयार करवाया हुआ था स्पाइडर मैन एक स्पाइडर वस फिल्म है उसके साउंड ट्रैक के ऊपर भी काफ़ी बढ़िया काम किया गया था सैंतालीस मिनट दस सेकेंड का ये साउंड ट्रैक था हिप हॉप ट्रैप और पॉप जोनर के साथ क्रिएट किया हुआ था दो जून दो को रिलीज किया हुआ था जहाँ पर भूमिनाथे और रिपब्लिक बैनर के द्वारा क्रिएट किया गया था और ये करीबन तेरह ट्रैक थे डिलक एडिशन में मिला ले तो टोटल अट्ठारह ट्रैक थे इसके अलावा और भी कई जो गाने थे जो बैकग्राउंड स्कोर था वो काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुआ था लोगों के बीच में पसंद आया था अब हम बात कर लेते हैं रिलीज के ऊपर स्पाइडर मैन एक स्पाइडर वर्स जो फिल्म है वो काफ़ी एक अच्छी रिलीज ली गई थी जहाँ पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक डिसेंट रिस्पॉन्स मिला जहाँ पे तीस मई दो हज़ार तेईस को पहले प्रीमियर करवाया गया रेजेंसी विलेज थिएटर में उसके बाद में दो जून दो हज़ार तेईस को यू एस कैनेडा इंडिया अलग अलग कंट्रीज़ में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया हंड्रेड यू एस मिलियन डॉलर के बजट के साथ जब फिल्म को रिलीज़ किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी पे करीबन दो लाख सोलह हज़ार वोट हासिल हुए जिसमें आठ पॉइंट आठ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया जिसके चलते

यहाँ पे माइल्स मोरल्स यानी कि सेमिक मोर है जो ब्रुकलिन का ना फ्रेंडली नेबरहुड है स्पाइडरमैन का जो अपने खुद की ज़िंदगी में एक बिजी है जहाँ पे उसका एक लव इंटरेस्ट एक वेंटेंसी करके जो माइल्स धीरे धीरे अलग अलग जो स्पाइडर डिफरेंट स्पाइडर है पीपल है उसके यूनिवर्स के साथ वो कैसे जॉइंट होता है उसके बाद में किस तरह से जो चीज़ें वो अलग हो जाती है किस तरह से क्या मुसीबतें आती है उसके सामने वो कैसे खड़े रहते हैं वो ये सब चीज़ों में फिल्म की कहानी बताई गई है फर्स्ट पार्ट काफ़ी बड़ा हिट था तो सेकंड पार्ट के ऊपर आसानी से काफ़ी एक हाई एक्सपेक्टेशन थी उस एक्सपेक्टेशन के ऊपर एक फुलफिल पूरी तरह से होती है जो काफ़ी बढ़िया तरीके से डिफरेंट यूनिवर्स को जो क्रिएट किया हुआ था उसको जॉइट किया तो वो बढ़िया था कंप्यूटर एनिमेशन में जो सुपर हीरो क्रिएट किया हुआ है उसमें जो फिल्में बनाई गई ये फिल्म उसमें काफ़ी इन्जॉयबल है इमोशंस काफ़ी बढ़िया थे कन्वर्जेशन बढ़िया तरीके से क्रिएट की गई थी एक स्क्रीन प्ले अच्छा लिखा हुआ था अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर्स जिस तरह से इन्वॉल्व किए हुए थे वो आपको फिल्म में एक बढ़िया एंटरटेनमेंट देते फिल्म में माइल्स और कि जो केमिस्ट्री दिखाई हुई है वो बढ़िया थी इसके अलावा इमोशनल सीन्स में जिस तरह से चीज़ों को क्रिएट किया हुआ पेरेंट्स के बीच में क्वेन के बीच में वो वॉचेबल था डायलॉग्स अच्छी तरह से लिखे गए थे डेप्थ थे उसमें और इसके अलावा वॉइस और आर्टिस्ट की तरफ से काफ़ी बढ़िया काम किया गया था ओवरऑल इस फिल्म में ये सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी हाँ कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको सुधारा जा सकता था डायरेक्शन निरेशन फिल्म का काफ़ी नीट नज़र आता है इसके अलावा बैकग्राउंड स्कोर भी काफ़ी बढ़िया था विजुअल्स काफ़ी स्टनिंग नज़र आते तो प्रोडक्शन वैल्यू तो वैसे भी काफ़ी टॉप टोप रही थी एडिटिंग में थोड़ी चीज़ें और ऐसी थी अननेसेसरी सेंस से जिसको चॉप अप किया जा सकता था जिसके चलते पाँच दस मिनट और छोटी हो जाती फिल्म क्रिस्प हो जाती बढ़िया हो जाती ओवरऑल विजुअली एन्जॉएबल फिल्म है जहाँ पे एंगेजिंग स्टोरी लाइन तो वैसी डीप में नहीं है पर लेकिन पार्ट्स वाइज फिल्म अच्छी वर्क करती है ये फिल्म वैसे कोई डिसअपॉइंट तो नहीं करेगी क्योंकि फिल्म में जिस तरह चीज़ों को दिखाया वो बढ़िया है तो इस फिल्म को आप जरूर देख सकते हो अब बात कर ले कैसे कहाँ पर इस फिल्म को ऑफिशियली देख सकते हो उसके ऊपर तो इस फिल्म को ऑफिशियली आप देख सकते हो जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर अमेज़न प्राइम वीडियो ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को रेंटली अवेलेबल किया हुआ है जी फाइव के ऊपर थ्री नाइन्टी नाइन में और अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर थ्री नाइन्टी नाइन में दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर आपको ये फ़िल्म काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेजेज़ में देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म में का हिंदी तमिल तेलुगु गुजराती इंग्लिश मराठी सभी वर्जन अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर अवेलेबल है तो वहाँ पर इंजॉय कर सकते हो इसके अलावा स्पाइडर मैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स जो फिल्म है वो एक अच्छी फिल्म है इसे देखना चाहिए जहाँ पे इस फिल्म का अगर आपको ओ वर्जन नहीं देख पा रहे हो तो सैटेलाइट वर्जन है वो सोनी वालों ने खरीदा हुआ है तो सोनी में चैनल के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन स्पाइडर मैन द स्पाइडर वर्स बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ स्पाइडर मैन जो फिल्म है उसको आप अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर फिलहाल में पे करके ऑफिशियली देख सकते हो इसके अलावा इस फिल्म को वहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेज में अवेलेबल किया हुआ है फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो सोनी मैक्स के पास है तो उन्होंने इस फिल्म को कई बार प्रीमियर करवाया हुआ है तो स्पाइडर मैन द स्पाइडर वर्स फिल्म वहाँ पे हिंदी वर्जन में आप बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से स्पाइडर मैन द स्पाइडर वर्स फिल्म आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में ओटीटी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे स्पाइडरमैन एक्रॉस द स्पाइडरवर्स एक 2023 के अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड सुपर हीरो फिल्म है जिसको मार्वल को मार्वल कॉमिक के जो किरदार थे माइल्स मोराल्स या स्पाइडरमैन उससे इंस्पायर्ड होकर क्रिएट किया हुआ है फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था जो जैक मेन डोज़ पावर्स और पावर्स और जस्टिन के थॉमसन ने इसके अलावा कहानी में फिल लोड क्रिस्टोफर माइल मिलर देव कैलहम ने काम किया हुआ था जहाँ कॉमिक के किरदार के ऊपर इसकी कहानी को क्रिएट किया हुआ था फिल लोड क्रिस्टोफर मिलर एमी पासकल एवी एरेड और क्रिस्टिना स्टेरबर्ग ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे कोलंबिया पिक्चर्स मार्वल इंटरटेनमेंट सोनी पिक्चर्स एनिमेशन पास्कल पिक्चर्स लॉर्ड मिलर प्रोडक्शन और अरा प्र... प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सोने पिक्चर्स रिलीजिंग के द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था वर्ल्ड वाइड लेवल पे बड़े पैमाने पे, पे। जहाँ पे फिल्म का बजट करीबन 100 यूएस मिलियन डॉलर था, था। काफ़ी हाई बजट के साथ बनाई गई फिल्म थी जहाँ पे एडिटिंग फिल्म के माइकल एंड्रयू ने की हुई थी जिन्होंने इस फिल्म को एक यानी कि दो घंटे बीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ था इसके अलावा म्यूजिक में डेनियल पेमरबल्टन ने काम किया हुआ था जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स उनके द्वारा क्रिएट किए गए थे वॉइस कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो समिक मोर इस फिल्म में माइल्स मॉरल्स या स्पाइडरमैन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो टीनेजर है अफ्रीकन अमेरिकन और फ्योटो रिक एन डिस इसके अलावा हेली स्टेनफील्ड ने इस फिल्म में गेंस टेक्सी और स्पाइडर वुमन का रोल प्ले किया हुआ है ब्रायन टायर हैंनरी को जेफ मॉरल्स ने वॉइस ओवर दे दिया होता उसके दर के लिए इसके अलावा लूरा लॉरेंस वेल्स ने इसमें रियो मोरल्स का वॉइस ओवर किया हुआ था जेक जॉनसन ने पीटर बी पार्कर यानी स्पाइडरमैन का वॉइस ओवर दिया हुआ था जेसन स्वेटमैन ने इस फिल्म में जॉन जोनाथन ओन ऑन द स्पॉट का जो वॉइस ओवर था वो दिया हुआ था इज राय ने इस फिल्म में जेज ड्रू और स्पाइडर वूमन का वॉइस ओवर दिया हुआ था करण सोनी को पवित्र प्रभाकर यानी कि स्पाइडरमैन इंडिया का वॉइस ओवर दे दिया गया था इसके अलावा इस फिल्म में सीविंगम ने जॉर्ज डेसी का वॉइस ओवर दिया हुआ था डेनियलवा कलिया ने इस फिल्म में हॉबी ब्राउन यानी कि स्पाइडर पंक का वॉइस और दिया हुआ था महर आ, महरसाला अली ने इस फिल्म में एरन डेविस का वॉइस और दिया हुआ है ओस्कार आइजेक ने इस फिल्म में मिलेगा ओक रहा यानी कि स्पाइडर नाइट ट्वेंटी नाइन्टी नाइन का वॉइस ओवर दिया हुआ था इसके अलावा और भी कई कास्ट थी जहाँ पे कुछ किरदारों को अलग अलग आर्टिस्ट ने वॉइस ओवर दिया हुआ था प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो स्पाइडर मैन इंटू द स्पाइडर वर्स फिल्म थी और 2018 में बनाई गई थी 2018 के एंड में उस फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब एक अच्छा रिस्पांस मिला उसके बाद में मेकर्स ने इसके सिकल्स के ऊपर भी अनाउंसमेंट की हुई थी और उसके बीच में कोविड आ गया जिसके चलते शूटिंग काफ़ी डिले हो गई जो काम था वो नवम्बर दो में स्टार्ट होने वाला था लेकिन उसके बाद में चीज़ों को डिले किया गया और फिल्म की शूटिंग को दो के सॉरी फिल्म की जो का का प्रोसेस है उसके ऊपर 2021 से काम किया गया और 2023 के एंड तक इस फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया हुआ था तो 2023 में पूरी तरह से फिल्म को कंप्लीट करा जहाँ पे 240 किरदार इस फिल्म के साथ जोड़े हुए थे करीबन छः यूनिवर्स के साथ लिए गए थे करीबन हज़ार ऐसे लोग थे जो इस एनिमेशन फिल्म के साथ जुड़े हुए थे और ऐसा पहली बार किसी फिल्म के साथ हुआ था तो इस तरह से स्पाइडर मैन एक्पाइडर वर्स के फिल्म के ऊपर डिटेलिंग में काम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की जो काम जो प्रोसेस थी जिस तरह की कास्टिंग थी वो सभी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से की गई थी वॉइस और आर्टिस्ट के एनिमेशन और डिज़ाइन के ऊपर भी काफ़ी लंबे समय तक इसके ऊपर प्रोसेस की गई थी जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के लिए अलग अलग जो एनिमेशन के प्रोजेक्ट थे वहाँ पे दिए गए थे जहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट करवाए बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में इस फिल्म को पूरी तरह से तैयार करवा के सेंसर करवाया और रिलीज के लिए तैयार करवाया हुआ था स्पाइडर मैन एक स्पाइडर वस फिल्म है उसके साउंड ट्रैक के ऊपर भी काफ़ी बढ़िया काम किया गया था सैंतालीस मिनट दस सेकंड का साउंड ट्रैक था हिप हॉप ट्रैप और पॉप जोनर के साथ क्रिएट किया हुआ था दो जून दो को रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे भूमिनाथे और रिपब्लिक बैनर के द्वारा क्रिएट किया गया था और ये करीबन तेरह ट्रैक थे डिलक्स एडिशन में मिला ले तो टोटल अट्ठारह ट्रैक थे इसके अलावा और भी कहीं जो गाने थे जो बैकग्राउंड था वो काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुआ था लोगों के बीच में पसंद आया था अब हम बात कर लेते हैं रिलीज के ऊपर स्पाइडर मैन एक स्पाइडर वर्स जो फिल्म है वो काफ़ी एक अच्छी रिलीज ली गई थी जहाँ पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक डिसेंट रिस्पॉन्स मिला जहाँ पे 30 मई 2023 को पहले प्रीमियर करवाया गया रेजेंसी विलेज थिएटर में उसके बाद में 2 जून 2023 को यूएस कनाडा इंडिया अलग अलग कंट्रीज में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया 100 यूएस मिलियन डॉलर के बजट के साथ जब फिल्म को रिलीज़ किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी पे करीबन दो वोट हासिल हुए जिसमें आठ आठ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पांस हासिल किया जिसके चलते इस फिल्म का जो एक क्रेज़ था लोगों के बीच में अच्छा बन गया और आने वाले सिकुल के लिए स्पिन ऑफ के लिए भी काफी बढ़िया तरीके से एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई और फिल्म ने डे बाई डे जिस तरह का कलेक्शन किया वो अपने आप में बड़ी बात है हंड्रेड यू मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस फिल्म ने छः लाख चौरासी हजार बीस यू मिलियन डॉलर का वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी जहां पे इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स हासिल किया था जो फिल्म की कहानी थी जहाँ पे माइल्स मोरल्स यानी कि सेमिक मोर है जो ब्रुकलिन का ना फ्रेंडली नेबरहुड है स्पाइडरमैन का जो अपने खुद की जिंदगी में एक बिजी है जहाँ पे उसका एक लव इंटरेस्ट है करके जो माइल्स धीरे धीरे अलग अलग जो स्पाइ डिफरेंट स्पाइडर है पीपल है उस यूनिवर्स के साथ वो कैसे जॉइंट होता है उसके बाद में आ, किस तरह से जो चीज़ें वो अलग हो जाती है किस तरह से क्या मुसीबतें आती है उसके सामने वो कैसे खड़े रहते हैं वो ये सब चीज़ों में फिल्म की कहानी बताई गई है फर्स्ट पार्ट काफ़ी बड़ा हिट था तो सेकंड पार्ट के ऊपर आसानी से काफ़ी एक हाई एक्सपेक्टेशन थी उस एक्सपेक्टेशन के ऊपर एक फुलफिल पूरी तरह से होती है जो काफ़ी बढ़िया तरीके से डिफरेंट यूनिवर्स को जो क्रिएट किया होता तो है उसको जॉइट किया होता तो है वो बढ़िया था कंप्यूटर एनिमेशन में जो सुपर हीरो क्रिएट किया हुआ है उसमें जो फिल्में बनाई गई ये फिल्म उसमें काफ़ी इन्जॉयबल है इमोशंस काफ़ी बढ़िया थे कन्वर्जेशन बढ़िया तरीके से क्रिएट की गई थी एक स्क्रीन प्ले अच्छा लिखा हुआ था अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर्स जिस तरह से इन्वॉल्व किए हुए थे वो आपको फिल्म में एक बढ़िया एंटरटेनमेंट देते फिल्म में माइल्स और क्वेंट की जो केमिस्ट्री दिखाई हुई है वो बढ़िया थी इसके अलावा इमोशनल सीन्स में जिस तरह से चीज़ों को क्रिएट किया हुआ है पेरेंट्स के बीच में क्वेन के बीच में वो वॉचेबल था डायलॉग्स अच्छी तरह से लिखे गए थे डेप्थ थे उसमें और इसके अलावा वॉइस और आर्टिस्ट की तरफ से काफ़ी बढ़िया काम किया गया था ओवरऑल इस फिल्म में ये सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी हाँ कुछ ऐसी चीजें थी जिसको सुधारा जा सकता था डायरेक्शन निरेशन फिल्म का काफ़ी नीट नज़र आता है इसके अलावा बैकग्राउंड स्कोर भी काफ़ी बढ़िया था विजुअल्स काफ़ी स्टनिंग नजर आते तो प्रोडक्शन वैल्यू तो वैसे भी काफ़ी टॉप टोप रही थी एडिटिंग में थोड़ी चीज़ें और ऐसी थी अननेसेसरी सेंस से जिसको चॉप अप किया जा सकता था जिसके चलते पाँच दस मिनट और छोटी हो जाती फिल्म क्रिस्प हो जाती बढ़िया हो जाती ओवरऑल विजुअली एन्जॉएबल फिल्म है जहाँ पे इंगेजिंग स्टोरी लाइन तो वैसी डीप में नहीं है पर लेकिन पार्ट्स वाइज फिल्म अच्छी वर्क करती है ये फिल्म वैसे कोई डिसअपॉइंट तो नहीं करेगी क्योंकि फिल्म में जिस तरह चीज़ों को दिखाया वो बढ़िया है तो इस फिल्म को आप जरूर देख सकते हो अब बात कर ले कैसे कहाँ पे इस फिल्म को ऑफिशियली देख सकते हो उसके ऊपर तो इस फिल्म को ऑफिशियली आप देख सकते हो जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर अमेज़न प्राइम वीडियो ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को रेंटल अवेलेबल किया हुआ है जी फाइव के ऊपर थ्री नाइन्टी नाइन में और अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर थ्री नाइन्टी नाइन में दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर आपको ये फ़िल्म काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेज में देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म में का हिंदी तमिल तेलुगू गुजराती इंग्लिश मराठी सभी वर्जन अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर अवेलेबल है तो वहाँ पे इन्जॉय कर सकते हो इसके अलावा स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वस जो फिल्म है वो एक अच्छी फिल्म है इसे देखना चाहिए जहाँ पे इस फिल्म का अगर आपको ओ वर्जन नहीं देख पा रहे हो तो सैटेलाइट वर्जन है वो सोनी वालों ने खरीदा हुआ है तो सोनी मेक्सो सोनी मैक्स एच डी चैनल के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन स्पाइडर मैन एकरोस द स्पाइडर वर्स बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ स्पाइडर मैन एक द स्पाइडर वर्स जो फिल्म है उसको आप सी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम इंडिया ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर फिलहाल में थ्री नाइन्टी नाइन रुपीज पे करके ऑफिशियली देख सकते हो इसके अलावा इस फिल्म को वहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल किया हुआ है फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो सोनी मैक्स के पास है तो उन्होंने इस फिल्म को कई बार प्रीमियर करवाया हुआ है। तो स्पाइडर हिंदी वर्जन में आप बिल्कुल होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से स्पाइडरमैन आप मल्टीपल लैंग्वेजेज में और के कर पाओगे एक दो एक तेईस के अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड सुपर हीरो जिसको मार्वल को मार्वल कॉमिक के जो किरदार थे हाँ, माइल्स मोरल्स या स्पाइडरमैन उससे इंस्पायर होकर क्रिएट किया हुआ है फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था जो जैकमैन डोज सेंटोज के पावर्स और पावर्स और जस्टिन के थॉम्पसन ने इसके अलावा कहानी में फिल लोड क्रिस्टोफर माइल मिलर देव कलहम ने काम किया हुआ था जहाँ मोरवल मार्वल कॉमिक के किरदार के ऊपर इसकी कहानी को क्रिएट किया हुआ था फिल लोड क्रिस्टोफर मिलर एमी पास्कल एवी एरेड और क्रिस्टिना स्टेरबर्ग ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे कोलम्बिया पिक्चर्स मार्वल इंटरटेनमेंट सोनी पिक्चर्स एनिमेशन पास्कल पिक्चर्स लॉर्ड मिलर प्रोडक्शन और अर प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग के द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था वर्ल्ड वाइड लेवल पे बड़े पैमाने पे पे फिल्म का बजट करीब हंड्रेड यूएस मिलियन डॉलर था तो काफी हाई बजट के साथ बनाई गई फिल्म थी जहाँ पे एडिटिंग फिल्म फिल्म के माइकल एंड्रयू ने की हुई थी जिन्होंने इस फिल्म को एक 140 के दो घंटे मिनट का रन टाइम दिया हुआ था इसके अलावा म्यूजिक में डेनियल पेमरबल्टन ने काम किया हुआ था जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स उनके द्वारा क्रिएट किए गए थे वॉइस कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो समिक मोर इस फिल्म में माइल्स मॉरल्स या स्पाइडरमैन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो टीनेजर है अफ्रीकन अमेरिकन और से इसके अलावा हेली स्टेनफील्ड ने इस फिल्म में गुवेन स्टेक्सी और स्पाइडर वूमन का रोल प्ले किया हुआ है ब्रायन टायर हैंनरी को जेफ मोरल्स ने वॉइस ओवर दे दिया होता उसके उसकी दर के लिए इसके अलावा लूरा लॉरेंस वेल्स ने इसमें रियो मोरल्स का वॉइस ओवर किया हुआ था जेक जॉनसन ने पीटर बी पार्कर यानी स्पाइडरमैन का वॉइस ओवर दिया हुआ था जेसन स्वेटमैन ने इस फिल्म में जॉन जोनाथन ऑन द स्पॉट का जो वॉइस ओवर था वो दिया हुआ था इज राय ने इस फिल्म में जेज ट्री और स्पाइडर वोमन का वॉइस ओवर दिया हुआ था करण सोनी को पवित्र प्रभाकर यानी कि स्पाइडर मैन इंडिया का वॉइस ओवर दे दिया गया था इसके अलावा इस फिल्म में सीविंगम ने जॉर्ज डेसी का वॉइस ओवर दिया हुआ था कलवा कलिया ने, ने इस फिल्म में हॉबी ब्राउन यानी कि स्पाइडर पंख का वॉइस और दिया हुआ था महर आ, महरसाला अली ने इस फिल्म में एरोन डेविस का वॉइस और दिया हुआ है ओस्कार आइजेक ने इस फिल्म में मिलेगा ओक हरा यानी कि स्पाइडर नाइट ट्वेंटी नाइनटी नाइन का वॉइस ओवर दिया हुआ था इसके अलावा और भी कई कास्ट थी जहाँ पे कुछ किरदारों को अलग अलग आर्टिस्ट ने वॉइस ओवर दिया हुआ था प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो स्पाइडर मैन इंटू द स्पाइडर वर्स फिल्म थी और 2018 में बनाई गई थी 2018 के एंड में उस फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब एक अच्छा रिस्पांस मिला उसके बाद में मेकर्स ने इसके सिकॉल्स के ऊपर भी अनाउंसमेंट की हुई थी और उसके बीच में कोविड आ गया जिसके चलते शूटिंग काफ़ी डिले हो गई जो काम था वो नवम्बर दो में स्टार्ट होने वाला था लेकिन उसके बाद में चीज़ों को डिले किया गया और फिल्म की शूटिंग को दो के सॉरी फिल्म की जो का का, का, का प्रोसेस है उसके ऊपर दो से काम किया गया और 2023 के एंड तक इस फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया हुआ था तो 2023 में पूरी तरह से फिल्म को कंप्लीट करा जहाँ पे 240 किरदार इस फिल्म के साथ जुड़े हुए थे करीबन छः यूनिवर्स के साथ लिए गए थे करीबन हज़ार ऐसे लोग थे जो इस एनिमेशन फिल्म के साथ जुड़े हुए थे और ऐसा पहली बार किसी फिल्म के साथ हुआ था तो इस तरह से स्पाइडर मैन एक स्पाइडर वर्स के फिल्म के ऊपर डिटेलिंग में काम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की जो काम जो प्रोसेस थी जिस तरह की कास्टिंग थी वो सभी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से की गई थी वॉइस ओवर आर्टिस्ट के एनिमेशन और डिज़ाइन के ऊपर भी काफ़ी लंबे समय तक इसके ऊपर प्रोसेस की गई थी जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के लिए अलग अलग जो एनिमेशन के प्रोजेक्ट थे वहाँ पे दिए गए थे जहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट करवाया बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में इस फिल्म को पूरी तरह से तैयार करवा के सेंसर करवाया और रिलीज के लिए तैयार करवाया हुआ था स्पाइडर मैन एक जो स्पाइडर वस फिल्म है उसके साउंड ट्रैक के ऊपर भी काफी बढ़िया काम किया गया था सैंतालीस मिनट दस सेकंड का साउंड ट्रैक था हिप हॉप ट्रैप और पॉप जोनर के साथ क्रिएट किया हुआ था दो जून दो को रिलीज किया हुआ था जहाँ पे भूमि और रिपब्लिक बैनर के द्वारा क्रिएट किया गया था और ये करीबन तेरह ट्रैक थे डिलक्स एडिशन में मिला ले तो टोटल अठारह ट्रैक थे इसके अलावा और भी कहीं जो गाने थे जो बैकग्राउंड वो काफी सक्सेसफुल साबित हुआ था लोगों के बीच में पसंद आया था अब हम बात कर लेते हैं रिलीज के ऊपर स्पाइडर मैन एक फिल्म है वो काफी एक अच्छी रिलीज ले गई थी जहाँ पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक डिसेंट रिस्पॉन्स मिला जहाँ पे तीस मई दो हज़ार तेईस को पहले प्रीमियर करवाया गया रेजेंसी विलेज थिएटर में उसके बाद में दो जून दो हज़ार तेईस को यू एस कैनेडा इंडिया अलग अलग कंट्रीज़ में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया हंड्रेड यू एस मिलियन डॉलर के बजट के साथ जब फिल्म को रिलीज़ किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी पे करीबन दो लाख सोलह हज़ार वोट हासिल हुए जिसमें आठ पॉइंट आठ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया जिसके चलते थी इस फिल्म का जो एक क्रेज था लोगों के बीच में अच्छा बन गया और आने वाले सीक्वल के लिए स्पिन ऑफ के लिए भी काफी बढ़िया तरीके से एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई और फिल्म ने डे बाय डे जिस तरह का कलेक्शन किया वो अपने आप में बड़ी बात है मिलियन डॉलर के बजट में छह लाख चौरासी हजार बीस यूएस मिलियन डॉलर का वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था बॉक्स ऑफिस ब्लॉक साबित हुई थी जहाँ पे इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स हासिल किया था जो फिल्म की कहानी थी यहां पे माइल्स मोरल्स यानी कि सेमिक मोरे जो ब्रुकलिन का ना फ्रेंडली नेबरहुड है स्पाइडरमैन का जो अपने खुद की जिंदगी में एक बिजी है जहाँ पे उसका एक लव इंटरेस्ट है वेंसटेन से करके जो माइल्स धीरे-धीरे अलग-अलग जो स्पाइडर डिफरेंट स्पाइडर है पीपल है उसके यूनिवर्स के साथ वो कैसे जॉइंट होता है उसके बाद में किस तरह से जो चीज़ें वो अलग हो जाती है किस तरह से क्या मुसीबतें आती है उसके सामने वो कैसे खड़े रहते हैं वो ये सब चीज़ों में फिल्म की कहानी बताई गई है फर्स्ट पार्ट काफ़ी बड़ा हिट था तो सेकंड पार्ट के ऊपर आसानी से काफ़ी एक हाई एक्सपेक्टेशन थी उस एक्सपेक्टेशन के ऊपर एक फुलफिल पूरी तरह से होती है जो काफ़ी बढ़िया तरीके से डिफरेंट यूनिवर्स को जो क्रिएट किया हुआ था तो उसको जॉइट किया था तो वो बढ़िया था कंप्यूटर एनिमेशन में जो सुपर हीरो क्रिएट किया हुआ है उसमें जो फिल्में बनाई गई ये फिल्म उसमें काफ़ी इन्जॉयबल है इमोशंस काफ़ी बढ़िया थे कन्वर्जन बढ़िया तरीके से क्रिएट की गई थी एक स्क्रीन प्ले अच्छा लिखा हुआ था अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर्स जिस तरह से इन्वॉल्व किए हुए थे वो आपको फिल्म में एक बढ़िया एंटरटेनमेंट देते फिल्म में माइल्स और क्वेन की जो केमिस्ट्री दिखाई हुई है वो बढ़िया थी इसके अलावा इमोशनल सीन्स में जिस तरह से चीज़ों को क्रिएट किया हुआ है पेरेंट्स के बीच में क्वेन के बीच में वो वॉचेबल था डायलॉग्स अच्छी तरह से लिखे गए थे डेप्थ थे उसमें और इसके अलावा वॉइस और आर्टिस्ट की तरफ से काफ़ी बढ़िया काम किया गया था ओवरऑल इस फिल्म में सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी हाँ कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको सुधारा जा सकता था डायरेक्शन निरेशन फिल्म का काफ़ी नीट नज़र आता है इसके अलावा बैकग्राउंड स्कोर भी काफ़ी बढ़िया था विजुअल्स काफ़ी स्टनिंग नज़र आते तो प्रोडक्शन वैल्यू तो वैसे भी काफ़ी टॉप टोप रही थी एडिटिंग में थोड़ी चीज़ें और ऐसी थी अननेसेसरी सीन थे जिसको चॉप अप किया जा सकता था जिसके चलते पाँच दस मिनट और छोटी हो जाती फिल्म क्रिस्प हो जाती बढ़िया हो जाती ओवरऑल विजुअली एन्जॉएबल फिल्म है जहाँ पे एंगेजिंग स्टोरी लाइन तो वैसी डीप में नहीं है पर लेकिन पार्ट्स वाइज फिल्म अच्छी वर्क करती है ये फिल्म वैसे कोई डिसअपॉइंट तो नहीं करेगी क्योंकि फिल्म में जिस तरह चीज़ों को दिखाया वो बढ़िया है तो इस फिल्म को आप जरूर देख सकते हो अब बात कर ले कैसे कहाँ पे इस फिल्म को ऑफिशियली देख सकते हो उसके ऊपर तो इस फिल्म को ऑफिशियली आप देख सकते हो जी फाइव ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर अमेज़न प्राइम वीडियो ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को रेंटली अवेलेबल किया हुआ है जी फाइव के ऊपर थ्री नाइन्टी नाइन में और अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर थ्री नाइन्टी नाइन में दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर आपको ये फ़िल्म काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेज में देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म में का हिंदी तमिल तेलुगु गुजराती इंग्लिश मराठी सभी वर्जन अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर अवेलेबल है तो वहाँ पर इंजॉय कर सकते हो इसके अलावा स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर जो फिल्म है। वो एक अच्छी फिल्म है इसे देखना चाहिए जहाँ पे इस फिल्म का अगर आपको ओ टी टी वर्ज़न नहीं देख पा रहे हो तो सैटेलाइट वर्जन है वो सोनी वालों ने खरीदा हुआ है तो सोनी मैक्सो सोनी मैक्स एच डी चैनल के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन स्पाइडर मैन एक द स्पाइडर वर्स बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ स्पाइडर मैन एकरोस द स्पाइडर वर्स जो फिल्म है उसको आप सी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर फिलहाल में थ्री नाइन्टी नाइन रुपीज़ पे करके ऑफिशियली देख सकते हो इसके अलावा इस फिल्म को वहाँ पर

जिसको मार्वल को मार्वल कॉमिक के जो किरदार थे हाँ, माइल्स मोरल्स या स्पाइडरमैन उससे इंस्पायर होकर क्रिएट किया हुआ है फिल्म को डिरेक्ट किया हुआ था जो जैकवन डोज सेंटोस के पावर्स और पावर्स और जस्टिन के थॉमसन ने इसके अलावा कहानी में फिल लोड क्रिस्टोफर माइल मिलर देव कैलहम ने काम किया हुआ था जहाँ मार्वल कॉमिक्स के किरदार के ऊपर इसकी कहानी को क्रिएट किया हुआ था फिल लोड क्रिस्टोफर मिलर एमी पासकल एवी एरेड और क्रिस्टिना स्टेरबर्ग ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे कोलम्बिया पिक्चर्स मार्वल इंटरटेनमेंट सोनी पिक्चर्स एनिमेशन पास्कल पिक्चर्स लोड मिलर प्रोडक्शन और अरा प्र... प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सोने पिक्चर्स रिलीजिंग के द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था वर्ल्ड वाइड लेवल पे बड़े पैमाने पे जहाँ पे फिल्म का बजट करीबन 100 यूएस मिलियन डॉलर था काफ़ी हाई बजट के साथ बनाई गई फिल्म थी जहाँ पे एडिटिंग फिल्म के माइकल एंड्रयू ने की हुई थी जिन्होंने इस फिल्म को एक यानी कि दो घंटे बीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ था इसके अलावा म्यूजिक में डेनियल पेमरबल्टन ने काम किया हुआ था जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स उनके द्वारा क्रिएट किए गए थे वॉइस कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो समिक मोर इस फिल्म में माइल्स मॉरल्स या स्पाइडरमैन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो टीनेजर है अफ्रीकन अमेरिकन और फ्योटो रिकन इसके अलावा हेली स्टेनफील्ड ने इस फिल्म में गैन स्टेक्सी और स्पाइडर वूमन का रोल प्ले किया हुआ है ब्रायन टायर हेनरी को जेफ मॉरल्स ने वॉइस ओवर दे दिया हुआ था उसके दर के लिए इसके अलावा लूरा लॉरेंस वेल्स ने इसमें रियो मॉरल्स का वॉइस ओवर किया हुआ था जेक जॉनसन ने पीटर बी पार्कर यानी स्पाइडर मैन का वॉइस ओवर दिया हुआ था जेसन स्वेटमैन ने इस फिल्म में जॉन जो ऑन द स्पॉट का जो वॉइस ओवर था वो दिया हुआ था इज राय ने इस फिल्म में जेज ड्री और स्पाइडर वुमन का वॉइस ओवर दिया हुआ था करण सोनी को पवित्र प्रभाकर यानी कि स्पाइडर मैन इंडिया का वॉइस ओवर दे दिया गया था इसके अलावा इस फिल्म में सी विंगम ने जॉर्ज टेसी का वॉइस ओवर दिया हुआ था क्रेटा ली ने लिया लिया तो का वॉइस ओवर दिया हुआ है डेनियल कलवा कलिया इस फिल्म में हॉबी ब्राउन यानी कि स्पाइडर पंख का वॉइस ओवर दिया हुआ था महर आ, महरसाला अली ने इस फिल्म में एरन डेविस का वॉइज ओवर दिया हुआ है ओस्कार आइजैक ने इस फिल्म में मिलेगा यानी कि स्पाइडर नाइट ट्वेंटी नाइनटी नाइन का वॉइस ओवर दिया हुआ था इसके अलावा और भी कई कास्ट थी जहां पे कुछ किरदारों को अलग अलग आर्टिस्ट ने वॉइस ओवर दिया हुआ था प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो स्पाइडर मैन इंटू द स्पाइडर वर्स फिल्म थी और 2018 में बनाई गई थी 2018 के एंड में उस फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब एक अच्छा रिस्पांस मिला उसके बाद में मेकर्स ने इसके सिकॉल्स के ऊपर भी अनाउंसमेंट की हुई थी और उसके बीच में कोविड आ गया जिसके चलते शूटिंग काफ़ी डिले हो गई जो काम था वो नवम्बर दो में स्टार्ट होने वाला था लेकिन उसके बाद में चीज़ों को डिले किया गया और फिल्म की शूटिंग को दो के सॉरी फिल्म की जो का का प्रोसेस है उसके ऊपर दो से काम किया गया और 2023 के एंड तक इस फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया हुआ था तो 2023 में पूरी तरह से फिल्म को कंप्लीट करा जहाँ पे 240 किरदार इस फिल्म के साथ जोड़े हुए थे करीबन छः यूनिवर्स के साथ लिए गए थे करीबन हज़ार ऐसे लोग थे जो इस एनिमेशन फिल्म के साथ जोड़े हुए थे और ऐसा पहली बार किसी फिल्म के साथ हुआ था तो इस तरह से स्पाइडर मैन एक स्पाइडर वर्स के फिल्म के ऊपर डिटेलिंग में काम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की जो काम जो प्रोसेस थी जिस तरह की कास्टिंग थी वो सभी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से की गई थी वॉइस ओवर आर्टिस्ट के एनिमेशन और डिज़ाइन के ऊपर भी काफ़ी लंबे समय तक इसके ऊपर प्रोसेस की गई थी जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के लिए अलग अलग जो एनिमेशन के प्रोजेक्ट थे वहाँ पे दिए गए थे जहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट करवाया बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में इस फिल्म को पूरी तरह से तैयार करवा के सेंसर करवाया और रिलीज के लिए तैयार करवाया हुआ था स्पाइडर मैन एक जो स्पाइडर वस फिल्म है उसके साउंड ट्रैक के ऊपर भी काफ़ी बढ़िया काम किया गया था सैंतालीस मिनट दस सेकंड का साउंड ट्रैक था हिप हॉप ट्रैप और पॉप जोनर के साथ क्रिएट किया हुआ था दो जून दो को रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे भूमिनाथी और रिपब्लिक बैनर के द्वारा क्रिएट किया गया था और ये करीबन तेरह ट्रैक थे डिलक्स एडिशन में मिला ले तो टोटल अट्ठारह ट्रैक थे इसके अलावा और भी कहीं जो गाने थे जो बैकग्राउंड था वो काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुआ था लोगों के बीच में पसंद आया था अब हम बात कर लेते हैं रिलीज के ऊपर स्पाइडर मैन एक स्पाइडर वर्स जो फिल्म है वो काफ़ी एक अच्छी रिलीज ली गई थी जहाँ पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक डिसेंट रिस्पॉन्स मिला जहाँ पे 30 मई 2023 को पहले प्रीमियर करवाया गया रेजेंसी विलेज थिएटर में उसके बाद में 2 जून 2023 को यूएस कनाडा इंडिया अलग अलग कंट्रीज़ में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया 100 यूएस मिलियन डॉलर के बजट के साथ जब फिल्म को रिलीज़ किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी पे करीबन दो वोट हासिल हुए जिसमें आठ आठ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पांस हासिल किया जिसके चलते इस फिल्म का जो एक क्रेज़ था लोगों के बीच में अच्छा बन गया और आने वाले सिक्वल के लिए स्पिन ऑफ के लिए भी काफी बढ़िया तरीके से एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई और फिल्म ने डे बाई डे जिस तरह का कलेक्शन किया वो अपने आप में बड़ी बात है हंड्रेड यू मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस फिल्म ने छः लाख चौरासी हज़ार बीस यू मिलियन डॉलर का वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी जहां पे इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स हासिल किया था जो फिल्म की कहानी थी जहाँ पे माइल्स मोरल्स यानी कि सैमिक मोर है जो का ना फ्रेंडली नेबरहुड है स्पाइडरमैन का जो अपने खुद की जिंदगी में एक बिजी है जहाँ पे उसका एक लव इंटरेस्ट है एक करके जो माइल्स धीरे धीरे अलग अलग जो स्पाइड डिफरेंट स्पाइडर है पीपल है उसके यूनिवर्स के साथ वो कैसे जॉइंट होता है उसके बाद में आ, किस तरह से जो चीज़ें वो अलग हो जाती है किस तरह से क्या मुसीबतें आती है उसके सामने वो कैसे खड़े रहते हैं वो ये सब चीज़ों में फिल्म की कहानी बताई गई है फर्स्ट पार्ट काफ़ी बड़ा हिट था तो सेकंड पार्ट के ऊपर आसानी से काफ़ी एक हाई एक्सपेक्टेशन थी उस एक्सपेक्टेशन के ऊपर एक फुलफिल पूरी तरह से होती है जो काफ़ी बढ़िया तरीके से डिफरेंट यूनिवर्स को जो क्रिएट किया होता है उसको जो किया तो वो बढ़िया था कंप्यूटर एनिमेशन में जो सुपर हीरो क्रिएट किया हुआ है उसमें जो फिल्में बनाई गए ये फिल्म उसमें काफ़ी इन्जॉयबल है इमोशंस काफ़ी बढ़िया थे कन्वर्जेशन बढ़िया तरीके से क्रिएट की गई थी एक स्क्रीन प्ले अच्छा लिखा हुआ था अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर्स जिस तरह से इन्वॉल्व किए हुए थे वो आपको फिल्म में एक बढ़िया एंटरटेनमेंट देते फिल्म में माइल्स और क्वेन की जो केमिस्ट्री दिखाई हुई है वो बढ़िया थी इसके अलावा इमोशनल सीन्स में जिस तरह से चीज़ों को क्रिएट किया हुआ है पेरेंट्स के बीच में क्वेन के बीच में वो वॉचेबल था डायलॉग्स अच्छी तरह से लिखे गए थे डेप्थ थे उसमें और इसके अलावा और आर्टिस्ट की तरफ से काफ़ी बढ़िया काम किया गया था ओवरऑल इस फिल्म में ये सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी हाँ कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको सुधारा जा सकता था डायरेक्शन निरेशन फिल्म का काफ़ी नीट नज़र आता है इसके अलावा बैकग्राउंड स्कोर भी काफ़ी बढ़िया था विजुअल्स काफ़ी स्टनिंग नजर आते तो प्रोडक्शन वैल्यू तो वैसे भी काफ़ी टॉप टोप रही थी एडिटिंग में थोड़ी चीज़ें और ऐसी थी अननेसेसरी सेंस से जिसको चॉप अप किया जा सकता था जिसके चलते ये पाँच दस मिनट और छोटी हो जाती फिल्म क्रिस्प हो जाती बढ़िया हो जाती ओवरऑल विजुअली एन्जॉएबल फिल्म है जहाँ पे आ, एंगेजिंग स्टोरी लाइन तो वैसी डीप में नहीं है पर लेकिन पार्ट्स वाइज फिल्म अच्छी वर्क करती है ये फिल्म वैसे कोई डिसअपॉइंट तो नहीं करेगी क्योंकि फिल्म में जिस तरह चीज़ों को दिखाया वो बढ़िया है तो इस फिल्म को आप जरूर देख सकते हो अब बात कर ले इसे कहाँ पर इस फिल्म को ऑफिशियली देख सकते हो उसके ऊपर तो इस फिल्म को ऑफिशियली आप देख सकते हो का जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर अमेज़न प्राइम वीडियो ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को रेंटली अवेलेबल किया हुआ है जी फाइव के ऊपर थ्री नाइन्टी नाइन में और अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर थ्री नाइन्टी नाइन में दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर आपको ये फिल्म काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेजेज़ में देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म में का हिंदी तमिल तेलुगु गुजराती इंग्लिश मराठी सभी वर्जन अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर अवेलेबल है तो वहाँ पर इन्जॉय कर सकते हो इसके अलावा स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर जो फिल्म है। वो एक अच्छी फिल्म है इसे देखना चाहिए जहाँ पे इस फिल्म का अगर आपको ओ वर्जन नहीं देख पा रहे हो तो सैटेलाइट वर्जन है वो सोनी वालों ने खरीदा हुआ है तो सोनी मैक्स एक सो, सोनी मैक्स एक्स एच डी चैनल के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन स्पाइडर मैन एक द स्पाइडर वर्स बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ स्पाइडर मैन एकर द स्पाइडर वर्स जो फिल्म है उसको आप सी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो ओ टी के ऊपर फिलहाल में थ्री नाइन्टी पे करके ऑफिशियली देख सकते हो इसके अलावा इस फिल्म को वहाँ पर

जिसको मार्वल को मार्वल कॉमिक के जो किरदार थे माइल्स मोरल्स या स्पाइडरमैन उससे इंस्पायर होकर क्रिएट किया हुआ है फिल्म को डरेक्ट किया हुआ था जो जैकवन डोज सेंटोज के पावर्स और पावर्स और जस्टिन के थॉमसन ने इसके अलावा कहानी में फिल लोड क्रिस्टोफर माइल मिलर देव कलहम ने काम किया हुआ था जहाँ मोरवल कॉमिक के किरदार के ऊपर इसकी कहानी को क्रिएट किया हुआ था फिल लोड क्रिस्टोफर मिलर एमी पासकल एवी एरेड और क्रिस्टिना स्टेरबर्ग ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे कोलम्बिया पिक्चर्स मार्वल इंटरटेनमेंट सोनी पिक्चर्स एनिमेशन पास्कल पिक्चर्स लोड मिलर प्रोडक्शन और अराज प्र... प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सोने पिक्चर्स रिलीजिंग के द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था वर्ल्ड वाइड लेवल पे बड़े पैमाने पे, पे। जहाँ पे फिल्म का बजट करीबन 100 यूएस मिलियन डॉलर था, 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 था काफ़ी हाई बजट के साथ बनाई गई फिल्म थी जहाँ पे एडिटिंग फिल्म के माइकल एंड्रयू ने की हुई थी जिन्होंने इस फिल्म को एक यानी कि दो घंटे बीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ था इसके अलावा म्यूजिक में डेनियल पेमरबल्टोन ने काम किया हुआ था जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स उनके द्वारा क्रिएट किए गए थे वॉइस कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो समेक मोर इस फिल्म में माइल्स मॉरल्स या स्पाइडरमैन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो टीनेजर है अफ्रीकन अमेरिकन और फ्योटो तो रिकेन इसके अलावा हेली स्टेनफील्ड ने इस फिल्म में गेंस स्टेक्सी और स्पाइडर वुमन का रोल प्ले किया हुआ है। प्राइन टायर हेनरी को जेफ मॉरल्स ने वॉइस ओवर दे दिया होता उसके उसकी दर के लिए इसके अलावा लूरा लॉरेंस वेल्स ने इसमें रियो मोरल्स का वॉइस ओवर किया हुआ था जेक जॉनसन ने पीटर बी पार्कर यानी स्पाइडर मैन का वॉइस ओवर दिया हुआ था जेसन स्वर्टमैन ने इस फिल्म में जॉन जोनाथन ऑन द स्पॉट का जो वॉइस ओवर था वो दिया हुआ था ईज राय ने इस फिल्म में जेज ट्री और स्पाइडर वुमन का वॉइस ओवर दिया हुआ था करण सोनी को पवित्र प्रभाकर यानी कि स्पाइडर मैन इंडिया का वॉइस ओवर दे दिया गया था इसके अलावा इस फिल्म में सीविंगम ने जॉर्ज डेसी का वॉइस ओवर दिया, था। ल्याक दिया, था। ने ने दिया हुआ था ग्रेटा ली ने लिया लिया का वॉइस ओवर दिया हुआ है डेनियल कलवा कलिया ने इस फिल्म में हॉबी ब्राउन यानी कि स्पाइडर पंक का वॉइस ओवर दिया हुआ था महर आ, महरसाला अली ने इस फिल्म में एरोन डेविस का वॉइस ओवर दिया हुआ है ओस्कार आइजेक ने इस फिल्म में मिलेगा यानी कि स्पाइडर नाइट ट्वेंटी नाइन्टी नाइन का वॉइस ओवर दिया हुआ था इसके अलावा और भी कई कास्ट थी जहाँ पे कुछ किरदारों को अलग अलग आर्टिस्ट ने वॉइस ओवर दिया हुआ था प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो स्पाइडर मैन इंटू द स्पाइडर वर्स फिल्म थी और 2018 में बनाए गए थे 2018 के एंड में उस फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब एक अच्छा रिस्पांस मिला उसके बाद में मेकर्स ने इसके सिकॉल्स के ऊपर भी अनाउंसमेंट की हुई थी और उसके बीच में कोविड आ गया जिसके चलते शूटिंग काफ़ी डिले हो गई जो काम था वो नवम्बर दो में स्टार्ट होने वाला था लेकिन उसके बाद में चीज़ों को डिले किया गया और फिल्म की शूटिंग को दो के सॉरी फिल्म की जो का प्रोसेस है उसके ऊपर दो से काम किया गया और 2023 के एंड तक इस फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया हुआ था तो 2023 में पूरी तरह से फिल्म को कंप्लीट करा जहाँ पे 240 किरदार इस फिल्म के साथ जुड़े हुए थे करीबन छः यूनिवर्स के साथ लिए गए थे करीबन हज़ार ऐसे लोग थे जो इस एनिमेशन फिल्म के साथ जुड़े हुए थे और ऐसा पहली बार किसी फिल्म के साथ हुआ था तो इस तरह से स्पाइडर मैन एक स्पाइडर वर्स के फिल्म के ऊपर डिटेलिंग में काम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की जो काम जो प्रोसेस थी जिस तरह की कास्टिंग थी वो सभी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से की गई थी वॉइज और आर्टिस्ट के एनिमेशन और डिज़ाइन के ऊपर भी काफ़ी लंबे समय तक इसके ऊपर प्रोसेस की गई थी जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग जो एनिमेशन के प्रोजेक्ट थे वहाँ पे दिए गए थे जहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट करवाए बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में इस फिल्म को पूरी तरह से तैयार करवा के सेंसर करवाया और रिलीज के लिए तैयार करवाया हुआ था स्पाइडर मैन एक जो स्पाइडर वस फिल्म है उसके साउंड ट्रैक के ऊपर भी काफ़ी बढ़िया काम किया गया था सैंतालीस मिनट दस सेकंड का साउंड ट्रैक था हिप हॉप ट्रैप और पॉप जोनर के साथ क्रिएट किया हुआ था दो जून दो को रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे भूमिनाथी और रिपब्लिक बैनर के द्वारा क्रिएट किया गया था और ये करीबन तेरह ट्रैक थे डिलक्स एडिशन में मिला ले तो टोटल अट्ठारह ट्रैक थे इसके अलावा और भी कहीं जो गाने थे जो बैकग्राउंड था वो काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुआ था लोगों के बीच में पसंद आया था अब हम बात कर लेते हैं रिलीज के ऊपर स्पाइडर मैन एक स्पाइडर वर्स जो फिल्म है वो काफ़ी एक अच्छी रिलीज ली गई थी जहाँ पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक डिसेंट रिस्पॉन्स मिला जहाँ पे 30 मई 2023 को पहले प्रीमियर करवाया गया रेजेंसी विलेज थिएटर में उसके बाद में 2 जून 2023 को यूएस कनाडा इंडिया अलग अलग कंट्रीज़ में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया 100 यूएस मिलियन डॉलर के बजट के साथ जब फिल्म को रिलीज़ किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई पे करीबन दो वोट हासिल हुए जिसमें आठ आठ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पांस हासिल किया जिसके चलते इस फिल्म का जो एक क्रेज़ था लोगों के बीच में अच्छा बन गया और आने वाले सिकवल के लिए स्पिन ऑफ के लिए भी काफी बढ़िया तरीके से एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई और फिल्म ने डे बाय डे जिस तरह का कलेक्शन किया वो अपने आप में बड़ी बात है हंड्रेड यू मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस फिल्म ने छह लाख चौरासी हजार बीस यू मिलियन डॉलर का वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था बॉक्स ऑफिस ब्लॉक साबित हुई थी जहाँ पे इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स हासिल किया था जो फिल्म की कहानी थी जहाँ पे माइल्स मोरल्स यानी कि सैमिक मोर है जो का ना फ्रेंडली नेबरहुड है स्पाइडरमैन का जो अपने खुद की जिंदगी में एक बिजी है जहाँ पे उसका एक लव इंटरेस्ट है करके जो माइल्स धीरे धीरे अलग अलग जो डिफरेंट स्पाइडर, स्पाइडर है पीपल है उस यूनिवर्स के साथ वो कैसे जॉइंट होता है उसके बाद में आ, किस तरह से जो चीज़ें वो अलग हो जाती है किस तरह से क्या मुसीबतें आती है उसके सामने वो कैसे खड़े रहते हैं वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी बताई गई है फर्स्ट पार्ट काफ़ी बड़ा हिट था तो सेकंड पार्ट के ऊपर आसानी से काफ़ी एक हाई एक्सपेक्टेशन थी उस एक्सपेक्टेशन के ऊपर एक फुलफिल पूरी तरह से होती है जो काफ़ी बढ़िया तरीके से डिफरेंट यूनिवर्स को जो क्रिएट किया होता है उसको जॉइट किया होता है वो बढ़िया था कंप्यूटर एनिमेशन में जो सुपर हीरो क्रिएट किया हुआ है उसमें जो फिल्में बनाई गई ये फिल्म उसमें काफ़ी इन्जॉयबल है इमोशंस काफ़ी बढ़िया थे कन्वर्जेशन बढ़िया तरीके से क्रिएट की गई थी एक स्क्रीन प्ले अच्छा लिखा हुआ था अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर्स जिस तरह से इन्वॉल्व किए हुए थे वो आपको फिल्म में एक बढ़िया एंटरटेनमेंट देते फिल्म में माइल्स और क्वेन जो केमिस्ट्री दिखाई हुई है वो बढ़िया थी इसके अलावा इमोशनल सीन्स में जिस तरह से चीजों को क्रिएट किया हुआ है पेरेंट्स के बीच में के बीच में वो वॉचेबल था डायलॉग्स अच्छी तरह से लिखे गए थे, थे उसमें और इसके अलावा आर्टिस्ट की तरफ से काफी बढ़िया काम किया गया था ओवरऑल इस फिल्म में यह सभी चीजें काफी बढ़िया थी हाँ कुछ ऐसी चीजें थी जिसको सुधारा जा सकता था डायरेक्शन फिल्म का काफी नीट नजर आता है इसके अलावा बैकग्राउंड स्कोर भी काफी बढ़िया था विजुअल्स काफी स्टनिंग नजर आते तो प्रोडक्शन वैल्यू तो वैसे भी काफी टॉप नोट शरीर थी एडिटिंग में थोड़ी चीज़ें और ऐसी थी अननेसेसरी जिसको चॉप अप किया जा सकता था जिसके चलते पाँच दस मिनट और छोटी हो जाती फिल्म क्रिस्प हो जाती बढ़िया हो जाती ओवरऑल विजुअली एंजॉयल फिल्म है जहाँ पे एंगेजिंग स्टोरी लाइन तो वैसी डीप में नहीं है पर लेकिन पार्ट्स वाइज फिल्म अच्छी वर्क करती है ये फिल्म वैसे कोई डिसअपॉइंट तो नहीं करेगी क्योंकि फिल्म में जिस तरह चीज़ों को दिखाया वो बढ़िया है तो इस फिल्म को आप जरूर देख सकते हो अब बात कर ले कैसे कहाँ पे इस फिल्म को ऑफिशियली देख सकते हो उसके ऊपर तो इस फिल्म को ऑफिशियली आप देख सकते हो जी फाइव ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर अमेज़न प्राइम वीडियो ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को रेंटल अवेलेबल किया हुआ है जी फाइव के ऊपर थ्री नाइनटी नाइन में और अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर थ्री नाइन्टी नाइन में दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर आपको ये फ़िल्म काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेज में देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म में का हिंदी तमिल तेलुगु गुजराती इंग्लिश मराठी सभी वर्जन अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर अवेलेबल है तो वहाँ पर इन्जॉय कर सकते हो इसके अलावा स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर जो फिल्म है। वो एक अच्छी फिल्म है इसे देखना चाहिए जहाँ पे इस फिल्म का अगर आपको ओ टी टी वर्ज़न नहीं देख पा रहे हो तो सैटेलाइट वर्जन है वो सोनी वालों ने ख़रीदा हुआ है तो सोनी मैक्सो सोनी मैक्स एच डी चैनल के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन स्पाइडर मैन एकर द स्पाइडर वर्स बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ स्पाइडर मैन एकर द स्पाइडर वर्स जो फिल्म है उसको आप सी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम इंडिया ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर फिलहाल में थ्री नाइन्टी नाइन रुपीज़ पे करके ऑफिशियली देख सकते हो इसके अलावा इस फिल्म को वहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेज में अवेलेबल किया हुआ है फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो सोनी मैक्स के पास है तो उन्होंने इस फिल्म को कई बार प्रीमियर करवाया हुआ है तो स्पाइडर मैन एक स्पाइडरवर्स फिल्म वहाँ पर हिंदी वर्जन में आप बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से स्पाइडर मैन एक स्पाइडर वर्स फिल्म आप मल्टीपल लैंग्वेजेज में ओ टी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑफिशियली एन्जॉय कर पाओगे स्पाइडर मैन एक स्पाइडरवर्स ये एक 2023 के अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड सुपर हीरो फिल्म है जिसको मार्वल को मार्वल कॉमिक के जो किरदार थे माइल्स मोरल्स या स्पाइडरमैन उससे इंस्पायर होकर क्रिएट किया हुआ है फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था जो जैकवन डोज सेंटोज के पावर्स और पावर्स और जस्टिन के थॉमसन ने इसके अलावा कहानी में फिल लोड क्रिस्टोफर माइल मिलर देव कैलहम ने काम किया हुआ था जहाँ मोरवल मार्वल कॉमिक के किरदार के ऊपर इसकी कहानी को क्रिएट किया हुआ था फिल लोड क्रिस्टोफर मिलर एमी पासकल एवी एरेड और क्रिस्टिना स्टेरबर्ग ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे कोलम्बिया पिक्चर्स मार्वल इंटरटेनमेंट सोनी पिक्चर्स एनिमेशन पास्कल पिक्चर्स लॉर्ड मिलर प्रोडक्शन और आर प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सोने पिक्चर्स रिलीजिंग के द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था वर्ल्ड वाइड लेवल पे बड़े पैमाने पे जहाँ पे फिल्म का बजट करीबन हंड्रेड यू मिलियन डॉलर था तो काफ़ी हाई बजट के साथ बनाई गई फिल्म थी जहाँ पे एडिटिंग फिल्म के माइकल एंड्रयू ने की हुई थी जिन्होंने इस फिल्म को एक यानी कि दो घंटे बीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ था इसके अलावा म्यूजिक में डेनियल पेमरबल्ट ने काम किया हुआ था जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स उनके द्वारा क्रिएट किए गए थे वॉइस कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो सामिक मोर इस फिल्म में माइल्स मॉरल्स या स्पाइडरमैन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो टीनेजर है अफ्रीकन अमेरिकन और फ्योटो तो रिकेन डिसें इसके अलावा हेली स्टेनफील्ड ने इस फिल्म में स्टेक्सी और स्पाइडर वूमन का रोल प्ले किया हुआ है ब्रायन टायर हैंनरी को जेफ मॉरल्स ने वॉइस ओवर दे दिया हुआ था उसकी दर के लिए इसके अलावा लूरा लॉरेंस वेल्स ने इसमें रियो मॉरल्स का वॉइस ओवर किया हुआ था जैक जॉनसन ने पीटर बी पार्कर यानी स्पाइडर मैन का वॉइस ओवर दिया हुआ था जेसन स्वर्टमैन ने इस फिल्म में जॉन जोनाथन ऑन द स्पॉट का जो वॉइस ओवर था वो दिया हुआ था इस फिल्म में ट्री और स्पाइडर वुमन का वॉइस ओवर दिया हुआ था करण सोनी को पवित्र प्रभाकर यानी कि स्पाइडरमैन इंडिया का वॉइस ओवर दे दिया गया था इसके अलावा इस फिल्म में सीविंगम ने जॉर्ज टेसी का वॉइस ओवर दिया हुआ था ग्रेटा ली ने लिया का वॉइस ओवर दिया हुआ है डेनियल कलिया ने इस फिल्म में हॉबी ब्राउन यानी कि स्पाइडर पंक का वॉइस ओवर दिया हुआ था महर महरसाला अली ने इस फिल्म में एरोन डेविस का वॉइस ओवर दिया हुआ है ओस्कार आइजेक ने इस फिल्म में मिलेग ओक यानी कि स्पाइडर नाइट ट्वेंटी नाइन्टी नाइन का वॉइस ओवर दिया हुआ था इसके अलावा और भी कई कास्ट थी जहां पे कुछ किरदारों को अलग अलग आर्टिस्ट ने वॉइस ओवर दिया हुआ था प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो स्पाइडर मैन इंटू द स्पाइडरस फिल्म थी और 2018 में बनाई गई थी 2018 के एंड में उस फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब एक अच्छा रिस्पांस मिला उसके बाद में मेकर्स ने इसके सिकॉल्स के ऊपर भी अनाउंसमेंट की हुई थी और उसके बीच में कोविड आ गया जिसके चलते शूटिंग काफ़ी डिले हो गई जो काम था वो नवम्बर दो में स्टार्ट होने वाला था लेकिन उसके बाद में चीज़ों को डिले किया गया और फिल्म की शूटिंग को दो के सॉरी फिल्म की जो का का प्रोसेस है उसके ऊपर दो से काम किया गया और 2023 के एंड तक इस फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया हुआ था तो दो हज़ार में पूरी तरह से फिल्म को कंप्लीट करा जहाँ पे 240 किरदार इस फिल्म के साथ जोड़े हुए थे करीबन छः यूनिवर्स के साथ लिए गए थे करीबन हज़ार ऐसे लोग थे जो इस एनिमेशन फिल्म के साथ जुड़े हुए थे और ऐसा पहली बार किसी फिल्म के साथ हुआ था तो इस तरह से स्पाइडर मैन एक स्पाइडर वर्स के फिल्म के ऊपर डिटेलिंग में काम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की जो काम जो प्रोसेस थी जिस तरह की कास्टिंग थी वो सभी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से की गई थी वॉइस ओवर आर्टिस्ट की एनिमेशन और डिज़ाइन के ऊपर भी काफ़ी लंबे समय तक इसके ऊपर प्रोसेस की गई थी जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के लिए अलग अलग जो एनिमेशन है के प्रोजेक्ट थे वहाँ पे दिए गए थे जहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में इस फिल्म को पूरी तरह से तैयार करवा के सेंसर करवाया और रिलीज के लिए तैयार करवाया हुआ था स्पाइडर मैन एक जो स्पाइडर वस फिल्म है उसके साउंड ट्रैक के ऊपर भी काफ़ी बढ़िया काम किया गया था सैंतालीस मिनट दस सेकंड का साउंड ट्रैक था हिप हॉप ट्रैप और पॉप जोनर के साथ क्रिएट किया हुआ था दो जून दो को रिलीज किया हुआ था जहाँ पे भूमि और रिपब्लिक बैनर के द्वारा क्रिएट किया गया था और ये करीबन तेरह ट्रैक थे डिलक्स एडिशन में मिला ले तो टोटल अट्ठारह ट्रैक थे इसके अलावा और भी कहीं जो गाने थे जो बैकग्राउंड स्कोर था वो काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुआ था लोगों के बीच में पसंद आया था अब हम बात कर लेते हैं रिलीज के ऊपर स्पाइडर मैन एक स्पाइडर वर्स जो फिल्म है वो काफ़ी एक अच्छी रिलीज ली गई थी जहाँ पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक डिसेंट रिस्पॉन्स मिला जहाँ पे तीस मई दो हज़ार तेईस को पहले प्रीमियर करवाया गया रेजेंसी विलेज थिएटर में उसके बाद में दो जून दो हज़ार तेईस को यू एस कैनेडा इंडिया अलग अलग कंट्रीज में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया हंड्रेड यू एस मिलियन डॉलर के बजट के साथ जब फिल्म को रिलीज किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी पे करीबन दो लाख सोलह हज़ार वोट हासिल हुए जिसमें आठ पॉइंट आठ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पांस हासिल किया जिसके चलते इस फिल्म का जो एक क्रेज़ था लोगों के बीच में अच्छा बन गया और आने वाले सीक्वल के लिए स्पिन ऑफ के लिए भी काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई और फिल्म ने डे बाय डे जिस तरह का कलेक्शन किया वो अपने आप में बड़ी बात है हंड्रेड यू मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस फिल्म ने छः लाख चौरासी हज़ार बीस यू मिलियन डॉलर का वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था बॉक्स ऑफिस ब्लॉक साबित हुई थी जहाँ पे इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से से एक अच्छा खासा रिस्पांस हासिल किया था जो फिल्म की कहानी थी जहाँ पे माइल्स जा मोरल्स यानी कि सेमिक मोर है जो ब्रुकलिन का ना फ्रेंडली नेबरहुड है स्पाइडरमैन का जो अपने खुद की जिंदगी में एक बिजी है जहाँ पे उसका एक लव इंटरेस्ट है करके जो माइल्स धीरे धीरे अलग अलग जो स्पाइ डिफरेंट स्पाइडर है पीपल है उसके यूनिवर्स के साथ वो कैसे जॉइंट होता है उसके बाद में किस तरह से जो चीज़ें वो अलग हो जाती है किस तरह से क्या मुसीबतें आती है उसके सामने वो कैसे खड़े रहते हैं वो ये सब चीज़ों में फिल्म की कहानी बताई गई है फर्स्ट पार्ट काफ़ी बड़ा हिट था तो सेकंड पार्ट के ऊपर आसानी से काफ़ी एक हाई एक्सपेक्टेशन थी उस एक्सपेक्टेशन के ऊपर एक फुलफिल पूरी तरह से होती है जो काफ़ी बढ़िया तरीके से डिफरेंट यूनिवर्स को जो क्रिएट किया होता था उसको जॉइट किया तो था वो बढ़िया था कंप्यूटर एनिमेशन में जो सुपर हीरो क्रिएट किया हुआ है उसमें जो फिल्में बनाई गई ये फिल्म उसमें काफ़ी इंजॉयबल है इमोशंस काफ़ी बढ़िया थे कन्वर्जेशन बढ़िया तरीके से क्रिएट की गई थी एक स्क्रीन प्ले अच्छा लिखा हुआ था अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर्स जिस तरह से इन्वॉल्व किए हुए थे वो आपको फिल्म में एक बढ़िया एंटरटेनमेंट देते फिल्म में माइल्स और क्वेन की जो केमिस्ट्री दिखाई हुई है वो बढ़िया थी इसके अलावा इमोशनल सीन्स में जिस तरह से चीज़ों को क्रिएट किया हुआ है पेरेंट्स के बीच में क्वेन के बीच में वो वॉचेबल था डायलॉग्स अच्छी तरह से लिखे गए थे डेप्थ थे उसमें और इसके अलावा वॉइस और आर्टिस्ट की तरफ से काफ़ी बढ़िया काम किया गया था ओवरऑल इस फिल्म में ये सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी हाँ कुछ ऐसी चीजें थी जिसको सुधारा जा सकता था डायरेक्शन नरेशन फिल्म का काफ़ी नीट नजर आता है इसके अलावा बैकग्राउंड स्कोर भी काफ़ी बढ़िया था विजुअल्स काफ़ी स्टनिंग नज़र आते तो प्रोडक्शन वैल्यू तो वैसे भी काफ़ी टॉप टोप रही थी एडिटिंग में थोड़ी चीजें और ऐसी थी अननेसेसरी सेंस से जिसको चॉप अप किया जा सकता था जिसके चलते ये पाँच दस मिनट और छोटी हो जाती फिल्म क्रिस्प हो जाती बढ़िया हो जाती ओवरऑल विजुअली एन्जॉएबल फिल्म है जहाँ पे एंगेजिंग स्टोरी लाइन तो वैसी डीप में नहीं है पर लेकिन पार्ट्स वाइज फिल्म अच्छी वर्क करती है ये फिल्म वैसे कोई डिसअपॉइंट तो नहीं करेगी क्योंकि फिल्म में जिस तरह चीज़ों को दिखाया वो बढ़िया है तो इस फिल्म को आप जरूर देख सकते हो अब बात कर ले इसे कहाँ पर इस फिल्म को ऑफिशियली देख सकते हो उसके ऊपर तो इस फिल्म को ऑफिशियली आप देख सकते हो जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर अमेज़न प्राइम वीडियो ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को रेंटली अवेलेबल किया हुआ है जी फाइव के ऊपर थ्री नाइन्टी नाइन में और अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर थ्री नाइन्टी नाइन में दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर आपको ये फिल्म काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेजेज़ में देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म में का हिंदी तमिल तेलुगु गुजराती इंग्लिश मराठी सभी वर्जन अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर अवेलेबल है तो वहाँ पर इन्जॉय कर सकते हो इसके अलावा स्पाइडर मैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स जो फिल्म है वो एक अच्छी फिल्म है इसे देखना चाहिए जहाँ पे इस फिल्म का अगर आपको ओ वर्जन नहीं देख पा रहे हो तो सैटेलाइट वर्जन है वो सोनी वालों ने ख़रीदा हुआ है तो सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एचडी एच डी चैनल के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन स्पाइडर मैन द स्पाइडर वर्स बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ स्पाइडर मैन द दाइडर वर्स जो फिल्म है उसको आप सी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर फ़िलहाल में थ्री नाइन्टी नाइन रुपीज़ पे करके ऑफिशियली देख सकते हो इसके अलावा इस फिल्म को वहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेज में अवेलेबल किया हुआ है फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो सोनी मैक्स के पास है तो उन्होंने इस फिल्म को कई बार प्रीमियर करवाया हुआ है तो स्पाइडर मैन एक्रोस द स्पाइडर वर्स फिल्म वहाँ पर हिंदी वर्जन में आप बिल्कुल में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो

केम पावर्स और पावर्स और जस्टिन के थॉमसन ने इसके अलावा कहानी में फिल लोड क्रिस्टोफर माइल मिलर देव कैलहम ने काम किया हुआ था जहाँ मोरवल मार्बल कॉमिक के किरदार के ऊपर इसकी कहानी को क्रिएट किया हुआ था फिल लोड क्रिस्टोफर मिलर एमी पासकल एवी एरेड और क्रिश्चिना स्टेरबर्ग ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे कोलंबिया पिक्चर्स मार्वल इंटरटेनमेंट सोनी पिक्चर्स एनिमेशन पास्कल पिक्चर्स लॉर्ड मिलर प्रोडक्शन और अराज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग के द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था वर्ल्ड वाइड लेवल पे बड़े पैमाने पे, पे जहाँ पे फिल्म का बजट करीबन हंड्रेड यूएस मिलियन डॉलर था काफ़ी हाई बजट के साथ बनाई गई फिल्म थी जहाँ पे एडिटिंग फिल्म के माइकल एंड्र्यू ने की हुई थी जिन्होंने इस फिल्म को एक सौ चालीस यानी कि दो घंटे बीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ था इसके अलावा म्यूजिक में डेनियल पेमरबल्टोन ने काम किया हुआ था जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स उनके द्वारा क्रिएट किए गए थे वॉइस कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो समिक मोर इस फिल्म में माइल्स मॉरल्स या स्पाइडरमैन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो टीनेजर है अफ्रीकन अमेरिकन और फ्योटो तो रिक एन डिस इसके अलावा हेली स्टेनफील्ड ने इस फिल्म में गुवेन स्टेक्सी और स्पाइडर वुमन का रोल प्ले किया हुआ है प्राइन टायर हेनरी को जेफ मॉरल्स ने वॉइस ओवर दे दिया हुआ था उसकी दर के लिए इसके अलावा लूरा लॉरेंस वेल्स ने इसमें रियो मोरल्स का वॉइस ओवर किया हुआ था जेक जॉनसन ने पीटर बी पार्कर यानी स्पाइडर मैन का वॉइस ओवर दिया हुआ था जेसन स्वर्टमैन ने इस फिल्म में जॉन जोनाथन ऑन द स्पॉट का जो वॉइस ओवर था वो दिया हुआ था ईज राय ने इस फिल्म में जेस्ट्री और स्पाइडर वुमन का वॉइस ओवर दिया हुआ था करण सोनी को पवित्र प्रभाकर यानी कि स्पाइडर मैन इंडिया का वॉइस ओवर दे दिया गया था इसके अलावा इस फिल्म में सीविंगम ने जॉर्ज टेसी का वॉइस ओवर दिया हुआ था ग्रेटा ली ने लिया का वॉइस ओवर दिया हुआ है डेनियल कलवा कलिया ने इस फिल्म में हॉबी ब्राउन यानी कि स्पाइडर पंक का वॉइस ओवर दिया हुआ था महर आ, महरसाला अली ने इस फिल्म में एरन डेविस का वॉइस ओवर दिया हुआ है ओस्कार आइजेक ने इस फिल्म में मिलेगा यानी कि स्पाइडर नाइट ट्वेंटी नाइनटी नाइन का वॉइस ओवर दिया हुआ था इसके अलावा और भी कई कास्ट थी जहाँ पे कुछ किरदारों को अलग अलग आर्टिस्ट ने वॉइस ओवर दिया हुआ था प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो स्पाइडर मैन इंटू द स्पाइडरस फिल्म थी और 2018 में बनाए गए थे 2018 के एंड में उस फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब एक अच्छा रिस्पांस मिला उसके बाद में मेकर्स ने इसके सिकल्स के ऊपर भी अनाउंसमेंट की हुई थी और उसके बीच में कोविड आ गया जिसके चलते शूटिंग काफ़ी डिले हो गई जो काम था वो नवम्बर दो में स्टार्ट होने वाला था लेकिन उसके बाद में चीज़ों को डिले किया गया और फिल्म की शूटिंग को दो के सॉरी फिल्म की जो का का प्रोसेस है उसके ऊपर दो से काम किया गया और 2023 के एंड तक इस फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया हुआ था तो ये 2023 में पूरी तरह से फिल्म को कंप्लीट करा जहाँ पे 240 किरदार इस फिल्म के साथ जुड़े हुए थे करीबन छः यूनिवर्स के साथ लिए गए थे करीबन हज़ार ऐसे लोग थे जो इस एनिमेशन फिल्म के साथ जुड़े हुए थे और ऐसा पहली बार किसी फिल्म के साथ हुआ था तो इस तरह से स्पाइडर मैन एक स्पाइडर वर्स के फिल्म के ऊपर डिटेलिंग में काम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की जो काम जो प्रोसेस थी जिस तरह की कास्टिंग थी वो सभी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से की गई थी वॉइस ओवर आर्टिस्ट के एनिमेशन और डिज़ाइन के ऊपर भी काफ़ी लंबे समय तक इसके ऊपर प्रोसेस की गई थी जहाँ पे अलग अलग, अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग जो एनिमेशन के प्रोजेक्ट थे वहाँ पे दिए गए थे जहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट करवाए बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में इस फिल्म को पूरी तरह से तैयार करवा के सेंसर करवाया और रिलीज के लिए तैयार करवाया हुआ था स्पाइडर मैन एक स्पाइडर वस फिल्म है उसके साउंड ट्रैक के ऊपर भी काफ़ी बढ़िया काम किया गया था सैंतालीस मिनट दस सेकंड का साउंड ट्रैक था हिप हॉप ट्रैप और पॉप जोनर के साथ क्रिएट किया हुआ था दो जून दो को रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे भूमि नाथे और रिपब्लिक बैनर के द्वारा क्रिएट किया गया था और ये करीबन तेरह थे डिलक्स एडिशन में मिला ले तो टोटल 18 ट्रैक थे इसके अलावा और भी कई जो गाने थे जो बैकग्राउंड स्कोर था वो काफी सक्सेसफुल साबित हुआ था लोगों के बीच में पसंद आया था अब हम बात कर लेते हैं रिलीज के ऊपर स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स जो फिल्म है वो काफी एक अच्छी रिलीज ले गई थी जहां पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक डिसेंट रिस्पॉन्स मिला जहाँ पे 30 मई 2023 को पहले प्रीमियर करवाया गया रेजेंसी विलेज थिएटर में उसके बाद में 2 जून 2023 को यूएस कनाडा इंडिया अलग अलग कंट्रीज़ में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया 100 यूएस मिलियन डॉलर के बजट के साथ जब फिल्म को रिलीज़ किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्सड तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी पे करीबन दो वोट हासिल हुए जिसमें आठ आठ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पांस हासिल किया जिसके चलते इस फिल्म का जो एक क्रेज था लोगों के बीच में अच्छा बन गया और आने वाले सिकवल के लिए स्पिन ऑफ के लिए भी काफी बढ़िया तरीके से एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई और फिल्म ने डे बाय डे जिस तरह का कलेक्शन किया वो अपने आप में बड़ी बात है हंड्रेड यू मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस फिल्म ने छः लाख चौरासी हजार बीस यू मिलियन डॉलर का वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था बॉक्स ऑफिस ब्लॉक साबित हुई थी जहाँ पे इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स हासिल किया था जो फिल्म की कहानी थी जहाँ पे माइल्स मोरल्स यानी कि सेमिक मोर है जो ब्रुकलिन का ना फ्रेंडली नेबरहुड है स्पाइडरमैन का जो अपने खुद की जिंदगी में एक बिजी है जहाँ पे उसका एक लव इंटरेस्ट है करके जो माइल्स धीरे धीरे अलग अलग जो स्पाइ डिफरेंट स्पाइडर है पीपल है उस यूनिवर्स के साथ वो कैसे जॉइंट होता है उसके बाद में आ, किस तरह से जो चीज़ें वो अलग हो जाती है किस तरह से क्या मुसीबतें आती है उसके सामने वो कैसे खड़े रहते हैं वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी बताई गई है फर्स्ट पार्ट काफ़ी बड़ा हिट था तो सेकंड पार्ट के ऊपर आसानी से काफ़ी एक हाई एक्सपेक्टेशन थी उस एक्सपेक्टेशन के ऊपर एक फुलफिल पूरी तरह से होती है जो काफ़ी बढ़िया तरीके से डिफरेंट यूनिवर्स को जो क्रिएट किया होता है उसको जॉइट किया तो है वो बढ़िया था कंप्यूटर एनिमेशन में जो सुपर हीरो क्रिएट किया हुआ है उसमें जो फिल्में बनाई गई ये फिल्म उसमें काफ़ी इंजॉयबल है इमोशंस काफ़ी बढ़िया थे कन्वर्जेशन बढ़िया तरीके से क्रिएट की गई थी एक स्क्रीन प्ले अच्छा लिखा हुआ था अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर्स जिस तरह से इन्वॉल्व किए हुए थे वो आपको फिल्म में एक बढ़िया एंटरटेनमेंट देते फिल्म में माइल्स और क्वेंट की जो केमिस्ट्री दिखाई हुई है वो बढ़िया थी इसके अलावा इमोशनल सीन्स में जिस तरह से चीजों को क्रिएट किया हुआ है पेरेंट्स के बीच में वैन के बीच में वो वॉचेबल था डायलॉग्स अच्छी तरह से लिखे गए थे डेप्थ थे उसमें और इसके अलावा वॉइस और आर्टिस्ट की तरफ से काफी बढ़िया काम किया गया था ओवरऑल इस फिल्म में सभी चीजें काफी बढ़िया थी हाँ कुछ ऐसी चीजें थी जिसको सुधारा जा सकता था डायरेक्शन नरेशन फिल्म का काफी नीट नजर आता है इसके अलावा बैकग्राउंड स्कोर भी काफी बढ़िया था विजुअल्स काफी स्टनिंग नजर आते तो प्रोडक्शन वैल्यू तो वैसे भी काफी टॉप चरित थी एडिटिंग में थोड़ी चीज़ें और ऐसी थी अननेसेसरी जिसको चॉप अप किया जा सकता था जिसके चलते पाँच दस मिनट और छोटी हो जाती फिल्म क्रिस्प हो जाती बढ़िया हो जाती ओवरऑल विजुअली एंजॉयल फिल्म है जहाँ पे एंगेजिंग स्टोरी लाइन तो वैसी डीप में नहीं है पर लेकिन पार्ट्स वाइज फिल्म अच्छी वर्क करती है आ, ये फिल्म वैसे कोई डिसअपॉइंट तो नहीं करेगी क्योंकि फिल्म में जिस तरह चीज़ों को दिखाया वो बढ़िया है तो इस फिल्म को आप जरूर देख सकते हो अब बात कर ले कैसे कहाँ पे इस फिल्म को ऑफिशियली देख सकते हो उसके ऊपर तो इस फिल्म को ऑफिशियली आप देख सकते हो जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर अमेज़न प्राइम वीडियो ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को रेंटल अवेलेबल किया हुआ है जी फाइव के ऊपर थ्री नाइन्टी नाइन में और अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर थ्री नाइन्टी नाइन में दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर आपको ये फ़िल्म काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेज में देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म में का हिंदी तमिल तेलुगू गुजराती इंग्लिश मराठी सभी वर्जन अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर अवेलेबल है तो वहाँ पे इन्जॉय कर सकते हो इसके अलावा स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर, स्पाइडर वस जो फिल्म है। वो एक अच्छी फिल्म है इसे देखना चाहिए जहाँ पे इस फिल्म का अगर आपको ओ टी टी वर्जन नहीं देख पा रहे हो तो सैटेलाइट वर्जन है वो सोनी वालों ने खरीदा हुआ है तो सोनी में एक्सो सोनी में एक्स एच डी चैनल के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन स्पाइडर मैन एकर द स्पाइडर वर्स बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ स्पाइडर मैन एक्रोस द स्पाइडर वर्स जो फिल्म है उसको आप सी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम मीडिया ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर फिलहाल में थ्री नाइन्टी नाइन रुपीज़ पे करके ऑफिशियली देख सकते हो इसके अलावा इस फिल्म को वहाँ पर मल्टीपल ज में अवेलेबल किया हुआ है फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो सोनी मैक्स के पास है तो उन्होंने इस फिल्म को कई बार प्रीमियर करवाया हुआ है तो स्पाइडरमैन पे हिंदी वर्जन में आप बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से स्पाइडर मैन आप मल्टीपल लैंग्वेजेज में OTT और के ऊपर ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे स्पाइडरमैन एक दो हजार तेईस के अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड सुपर हीरो फिल्म है जिसको मार्वल को मार्वल कॉमिक के जो किरदार थे माइल्स मोरल्स या स्पाइडरमैन उससे इंस्पायर होकर क्रिएट किया हुआ है फिल्म को डरेक्ट किया हुआ था जो जैकवन डोज सेंटोज के पावर्स और पावर्स और जस्टिन के थॉमसन ने इसके अलावा कहानी में फिल लोड क्रिस्टोफर माइल मिलर देव कलहम ने काम किया हुआ था जहाँ मोरवल मार्वल कॉमिक के किरदार के ऊपर इसकी कहानी को क्रिएट किया हुआ था फिल लोड क्रिस्टोफर मिलर एमी पास्कल एवी एरेड और क्रिस्टिना स्टेरबर्ग ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे कोलम्बिया पिक्चर्स मार्वल इंटरटेनमेंट सोनी पिक्चर्स एनिमेशन पास्कल पिक्चर्स लोड मिलर प्रोडक्शन और आर प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सोने पिक्चर्स रिलीजिंग के द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था वर्ल्ड वाइड लेवल पे बड़े पैमाने पे, पे। जहाँ पे फिल्म का बजट करीबन हंड्रेड यूएस मिलियन डॉलर था, था काफ़ी हाई बजट के साथ बनाई गई फिल्म थी जहाँ पे एडिटिंग फिल्म के माइकल एंड्रयू ने की हुई थी जिन्होंने इस फिल्म को एक यानी कि दो घंटे बीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ था इसके अलावा म्यूजिक में डेनियल पेमरबल्ट ने काम किया हुआ था जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स उनके द्वारा क्रिएट किए गए थे वॉइस कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो सामिक मोर इस फिल्म में माइल्स मॉरल्स या स्पाइडरमैन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो टीनेजर है अफ्रीकन अमेरिकन और फ्योटो रिकन इसके अलावा हेली स्टेनफील्ड ने इस फिल्म में गुवेन स्टेक्सी और स्पाइडर वूमन का रोल प्ले किया हुआ है ब्रायन टायर हैंनरी को जेफ मॉरल्स ने वॉइस ओवर दे दिया हुआ था उसकी दर के लिए इसके अलावा लूरा लॉरेंस वेल्स ने इसमें रियो मॉरल्स का वॉइस ओवर किया हुआ था जैक जॉनसन ने पीटर बी पार्कर यानी स्पाइडर मैन का वॉइस ओवर दिया हुआ था जेसन स्वेटमैन ने इस फिल्म में जॉन जोनाथन ऑन द स्पॉट का जो वॉइस ओवर था वो दिया हुआ था इस फिल्म में जेज्री और स्पाइडर वुमन का वॉइस ओवर दिया हुआ था करण सोनी को पवित्र प्रभाकर यानी कि स्पाइडरमैन इंडिया का वॉइस ओवर दे दिया गया था इसके अलावा इस फिल्म में सीविंगम ने टेसी का वॉइस ओवर दिया हुआ था ग्रेटा ली ने लिया का वॉइस ओवर दिया हुआ है डेनियल कलिया ने इस फिल्म में हॉबी ब्राउन यानी कि स्पाइडर पंक का वॉइस ओवर दिया हुआ था महर आ, महरसाला अली ने इस फिल्म में एरोन डेविस का वॉइस ओवर दिया हुआ है ओस्कार आइजैक ने इस फिल्म में मिलेग ओक यानी कि स्पाइडर नाइट ट्वेंटी नाइन्टी नाइन का वॉइस ओवर दिया हुआ था इसके अलावा और भी कई कास्ट थी जहाँ पे कुछ किरदारों को अलग अलग आर्टिस्ट ने वॉइस ओवर दिया हुआ था प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो स्पाइडर मैन इंटू द स्पाइडर वर्स फिल्म थी और 2018 में बनाई गए थे 2018 के एंड में उस फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब एक अच्छा रिस्पांस मिला उसके बाद में मेकर्स ने इसके कॉल्स के ऊपर भी अनाउंसमेंट की हुई थी और उसके बीच में कोविड आ गया जिसके चलते शूटिंग काफ़ी डिले हो गई जो काम था वो नवम्बर दो में स्टार्ट होने वाला था लेकिन उसके बाद में चीज़ों को डिले किया गया और फिल्म की शूटिंग को दो के सॉरी फिल्म की जो का का प्रोसेस है उसके ऊपर दो से काम किया गया और 2023 के एंड तक इस फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया हुआ था तो ये 2023 में पूरी तरह से फिल्म को कंप्लीट करा जहाँ पे 240 किरदार इस फिल्म के साथ जुड़े हुए थे करीबन छः यूनिवर्स के साथ लिए गए थे करीबन हज़ार ऐसे लोग थे जो इस एनिमेशन फिल्म के साथ जुड़े हुए थे और ऐसा पहली बार किसी फिल्म के साथ हुआ था तो इस तरह से स्पाइडर मैन एक स्पाइडर वर्स के फिल्म के ऊपर डिटेलिंग में काम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की जो काम जो प्रोसेस थी जिस तरह की कास्टिंग थी वो सभी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से की गई थी वॉइस ओवर आर्टिस्ट के एनिमेशन और डिज़ाइन के ऊपर भी काफ़ी लंबे समय तक इसके ऊपर प्रोसेस की गई थी जहाँ पे अलग अलग, अलग कंट्रीज़ के लिए अलग अलग जो एनिमेशन के प्रोजेक्ट थे वहाँ पे दिए गए थे जहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट करवाए बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में इस फिल्म को पूरी तरह से तैयार करवा के सेंसर करवाया और रिलीज के लिए तैयार करवाया हुआ था स्पाइडर मैन एक स्पाइडर वर्स फिल्म है उसके साउंड ट्रैक के ऊपर भी काफ़ी बढ़िया काम किया गया था सैंतालीस मे मिनट दस सेकंड का साउंड ट्रैक था हिप हॉप ट्रैप और पॉप जोनर के साथ क्रिएट किया हुआ था दो जून दो को रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे भूमि और रिपब्लिक बैनर के द्वारा क्रिएट किया गया था और ये करीबन तेरह ट्रैक थे डिलक्स एडिशन में मिला ले तो टोटल अट्ठारह ट्रैक थे इसके अलावा और भी कई जो गाने थे जो बैकग्राउंड था वो काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुआ था लोगों के बीच में पसंद आया था अब हम बात कर लेते हैं रिलीज के ऊपर स्पाइडर मैन एक स्पाइडर वर्स जो फिल्म है वो काफ़ी एक अच्छी रिलीज ली गई थी जहाँ पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक डिसेंट रिस्पॉन्स मिला जहाँ पे तीस मई दो हज़ार तेईस को पहले प्रीमियर करवाया गया रेजेंसी विलेज थिएटर में उसके बाद में दो जून दो हज़ार तेईस को यू एस कैनेडा इंडिया अलग अलग कंट्रीज़ में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया हंड्रेड यू एस मिलियन डॉलर के बजट के साथ जब फिल्म को रिलीज़ किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी पे करीबन दो लाख सोलह हज़ार वोट हासिल हुए जिसमें आठ पॉइंट आठ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया जिसके चलते इस फिल्म का जो एक क्रेज था लोगों के बीच में अच्छा बन गया और आने वाले के के लिए के लिए स्पिन ऑफ भी काफ़ी बढ़िया तरीके से अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई और फिल्म ने डे बाई डे जिस तरह का कलेक्शन किया वो अपने आप में बड़ी बात है मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस फिल्म ने छह लाख चौरासी हजार बीस यूएस मिलियन डॉलर का वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था बॉक्स ऑफिस ब्लॉक साबित हुई थी जहां पे इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स हासिल किया था जो फिल्म की कहानी थी यहाँ पे माइल्स मोरल्स यानी कि सेमिक मोर है जो ब्रुकलिन का ना फ्रेंडली नेबरहुड है स्पाइडरमैन का जो अपने खुद की ज़िंदगी में एक बिजी है जहाँ पे उसका एक लव इंटरेस्ट एक वेंस्टेंसी करके जो माइल्स धीरे धीरे अलग अलग जो स्पाइडर डिफरेंट स्पाइडर है पीपल है उसके यूनिवर्स के साथ वो कैसे जॉइंट होता है उसके बाद में आ, किस तरह से जो चीज़ें वो अलग हो जाती है किस तरह से क्या मुसीबतें आती है उसके सामने वो कैसे खड़े रहते हैं वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी बताई गई है फर्स्ट पार्ट काफ़ी बड़ा हिट था तो सेकंड पार्ट के ऊपर आसानी से काफ़ी एक हाई एक्सपेक्टेशन थी उस एक्सपेक्टेशन के ऊपर एक फुलफिल पूरी तरह से होती है जो काफ़ी बढ़िया तरीके से डिफरेंट यूनिवर्स को जो क्रिएट किया हुआ था उसको जॉइट किया तो वो बढ़िया था कंप्यूटर एनिमेशन में जो सुपर हीरो क्रिएट किया हुआ है उसमें जो फिल्में बनाई गई ये फिल्म उसमें काफ़ी इन्जॉयबल है इमोशंस काफ़ी बढ़िया थे कन्वर्जेशन बढ़िया तरीके से क्रिएट की गई थी एक स्क्रीन प्ले अच्छा लिखा हुआ था अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर्स जिस तरह से इन्वॉल्व किए हुए थे वो आपको फिल्म में एक बढ़िया एंटरटेनमेंट देते फिल्म में माइल्स और क्वेन की जो केमिस्ट्री दिखाई हुई है वो बढ़िया थी इसके अलावा इमोशनल सीन्स में जिस तरह से चीज़ों को क्रिएट किया हुआ है पेरेंट्स के बीच में क्वेन के बीच में वो वॉचेबल था डायलॉग्स अच्छी तरह से लिखे गए थे डेप्थ थे उसमें और इसके अलावा वॉइस और आर्टिस्ट की तरफ से काफ़ी बढ़िया काम किया गया था ओवरऑल इस फिल्म में सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी हाँ कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको सुधारा जा सकता था डायरेक्शन निरेशन फिल्म का काफ़ी नीट नज़र आता है इसके अलावा बैकग्राउंड स्कोर भी काफ़ी बढ़िया था विजुअल्स काफ़ी स्टनिंग नज़र आते तो प्रोडक्शन वैल्यू तो वैसे भी काफ़ी टॉप टोप रही थी एडिटिंग में थोड़ी चीज़ें और ऐसी थी अननेसेसरी सेंस से जिसको चॉप अप किया जा सकता था जिसके चलते पाँच दस मिनट और छोटी हो जाती फिल्म क्रिस्प हो जाती बढ़िया हो जाती ओवरऑल विजुअली एन्जॉएबल फिल्म है जहाँ पे आ, एंगेजिंग स्टोरी लाइन तो वैसी डीप में नहीं है पर लेकिन पार्ट्स वाइज फिल्म अच्छी वर्क करती है ये फिल्म वैसे कोई डिसअपॉइंट तो नहीं करेगी कहाँ क्योंकि फिल्म में जिस तरह चीज़ों को दिखाया वो बढ़िया है तो इस फिल्म को आप जरूर देख सकते हो अब बात कर ले कैसे कहाँ पे इस फिल्म को ऑफिशियली देख सकते हो उसके ऊपर तो इस फिल्म को ऑफिशियली आप देख सकते हो जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर अमेज़न प्राइम वीडियो ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को रेंटली अवेलेबल किया हुआ है जी फाइव के ऊपर थ्री नाइन्टी नाइन में और अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर थ्री नाइन्टी नाइन में दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर आपको ये फ़िल्म काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेजेज़ में देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म में का हिंदी तमिल तेलुगु गुजराती इंग्लिश मराठी सभी वर्जन अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर अवेलेबल है तो वहाँ पर इंजॉय कर सकते हो इसके अलावा स्पाइडर मैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स जो फिल्म है वो एक अच्छी फिल्म है इसे देखना चाहिए जहाँ पे इस फिल्म का अगर आपको ओ वर्जन नहीं देख पा रहे हो तो सैटेलाइट वर्जन है वो सोनी वालों ने ख़रीदा हुआ है तो सोनी में एक सोनी में एक्स एच चैनल के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन स्पाइडर मैन द स्पाइडर वर्स बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ स्पाइडर मैनोस स्पाइडर वर्स जो फिल्म है उसको आप सी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर फिलहाल में थ्री नाइन्टी नाइन रुपीज़ पे करके ऑफिशियली देख सकते हो इसके अलावा इस फिल्म को वहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेज में अवेलेबल किया हुआ है फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो सोनी मैक्स के पास है तो उन्होंने इस फिल्म को कई बार प्रीमियर करवाया हुआ है तो स्पाइडर मैन एक द स्पाइडर वर्स फिल्म वहाँ पर हिंदी वर्जन में आप बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से स्पाइडर, एक्रोस स्पाइडर वर्स फिल्म आप मल्टीपल में और के कर पाओगे स्पाइडर में एक स्पाइडर वर्स। एक दो हजार तेईस के अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड सुपर हीरो फिल्म है जिसको मार्वल को मार्वल कॉमिक के जो किरदार थे हाँ, माइल्स मॉरल्स या स्पाइडर मैन उससे इंस्पायर होकर क्रिएट किया हुआ है फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था जो जैकवे केम पावर्स और पावर्स और जस्टिन के थॉमसन ने इसके अलावा कहानी में फिल लोड क्रिस्टोफर माइल मिलर देव कैलहम ने काम किया हुआ था जहाँ मोर मार्बल कॉमिक के किरदार के ऊपर इसकी कहानी को क्रिएट किया हुआ था फिल लोड क्रिस्टोफर मिलर एमी पासकल एवी एरेड और क्रिस्टिना स्टेरबर्ग ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे कोलंबिया पिक्चर्स मार्वल इंटरटेनमेंट सोनी पिक्चर्स एनिमेशन पास्कल पिक्चर्स लॉर्ड मिलर प्रोडक्शन और अराज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग के द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था वर्ल्ड वाइड लेवल वर्ल पे बड़े पैमाने पे, पे जहाँ पे फिल्म का बजट करीबन हंड्रेड यूएस मिलियन डॉलर था, था। काफ़ी हाई बजट के साथ बनाई गई फिल्म थी जहाँ पे एडिटिंग फिल्म के माइकल एंड्रयू ने की हुई थी जिन्होंने इस फिल्म को एक सौ चालीस यानी कि दो घंटे बीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ था इसके अलावा म्यूजिक में डेनियल पेमरबल्टोन ने काम किया हुआ था जहाँ पर बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स उनके द्वारा क्रिएट किए गए थे वॉइस कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो समिक मोर इस फिल्म में माइल्स मॉरल्स या स्पाइडरमैन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो टीनेजर है अफ्रीकन अमेरिकन और फ्योटो रिक एन डिस इसके अलावा हेली स्टेनफील्ड ने इस फिल्म में गेंस टेक्सी और स्पाइडर वुमन का रोल प्ले किया हुआ है ब्रायन टायर हेनरी को जेफ मॉरल्स ने वॉइस ओवर दे दिया होता उसके दर के लिए इसके अलावा लूरा लॉरेंस वेल्स ने इसमें रियो मोरल्स का वॉइस ओवर किया हुआ था जेक जॉनसन ने पीटर बी पार्कर यानी स्पाइडरमैन का वॉइस ओवर दिया हुआ था जेसन स्वर्टमैन ने इस फिल्म में जॉन जोनाथन नाथन ऑन द स्पॉट का जो वॉइस ओवर था वो दिया हुआ था इज राय ने इस फिल्म में जेज ट्री और स्पाइडर वुमन का वॉइस ओवर दिया हुआ था करण सोनी को पवित्र प्रभाकर यानी कि स्पाइडर मैन इंडिया का वॉइस ओवर दे दिया गया था इसके अलावा इस फिल्म में सी विंगम ने जॉर्ज टेसी का वॉइस ओवर दिया हुआ था क्रेटा ली ने लिया का वॉइस और दिया हुआ है डेनियल कलवा कलिया ने इस फिल्म में हॉबी ब्राउन यानी कि स्पाइडर पंक का वॉइस और दिया हुआ था महर आ, महरसाला अली ने इस फिल्म में एरन डेविस का वॉइस और दिया हुआ है ओस्कार आइजेक ने इस फिल्म में मिलेगा ओक रहा यानी कि स्पाइडर नाइट ट्वेंटी नाइन्टी नाइन का वॉइस ओवर दिया हुआ था इसके अलावा और भी कई कास्ट थी जहाँ पे कुछ किरदारों को अलग अलग आर्टिस्ट ने वॉइस ओवर दिया हुआ था प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो स्पाइडर मैन इंटू द स्पाइडर वर्स फिल्म थी और 2018 में बनाई गई थी 2018 के एंड में उस फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब एक अच्छा रिस्पांस मिला उसके बाद में मेकर्स ने इसके सिकल्स के ऊपर भी अनाउंसमेंट की हुई थी और उसके बीच में कोविड आ गया जिसके चलते शूटिंग काफी डिले हो गई जो काम था वो नवम्बर दो में स्टार्ट होने वाला था लेकिन उसके बाद में चीज़ों को डिले किया गया और फिल्म की शूटिंग को दो के सॉरी फिल्म की जो का, का काम प्रोसेस है उसके ऊपर दो से काम किया गया और 2023 के एंड तक इस फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया हुआ था तो ये 2023 में पूरी तरह से फिल्म को कंप्लीट करा जहाँ पे 240 किरदार इस फिल्म के साथ जुड़े हुए थे करीबन छः यूनिवर्स के साथ लिए गए थे करीबन हज़ार ऐसे लोग थे जो इस एनिमेशन फिल्म के साथ जुड़े हुए थे और ऐसा पहली बार किसी फिल्म के साथ हुआ था तो इस तरह से स्पाइडर मैन एक स्पाइडर वर्स के फिल्म के ऊपर डिटेलिंग में काम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की जो काम जो प्रोसेस थी जिस तरह की कास्टिंग थी वो सभी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से की गई थी वॉइस और आर्टिस्ट के एनिमेशन और डिज़ाइन के ऊपर भी काफ़ी लंबे समय तक इसके ऊपर प्रोसेस की गई थी जहाँ पे अलग अलग, अलग कंट्रीज़ के लिए अलग अलग जो एनिमेशन के प्रोजेक्ट थे वहाँ पर दिए गए थे जहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट करवाए बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में इस फिल्म को पूरी तरह से तैयार करवा के सेंसर करवाया और रिलीज के लिए तैयार करवाया हुआ था स्पाइडर मैन एक स्पाइडर वस फिल्म है उसके साउंड ट्रैक के ऊपर भी काफ़ी बढ़िया काम किया गया था सैंतालीस मिनट दस सेकंड का साउंड ट्रैक था हिप हॉप ट्रैप और पॉप जोनर के साथ क्रिएट किया हुआ था दो जून दो को रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे भूमि और रिपब्लिक बैनर के द्वारा क्रिएट किया गया था और ये करीबन तेरह ट्रैक थे डिलक्स एडिशन में मिला ले तो टोटल अट्ठारह ट्रैक थे इसके अलावा और भी कहीं जो गाने थे जो बैकग्राउंड था वो काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुआ था लोगों के बीच में पसंद आया था अब हम बात कर लेते हैं रिलीज के ऊपर स्पाइडर मैन एक स्पाइडर वर्स जो फिल्म है वो काफ़ी एक अच्छी रिलीज ली गई थी जहाँ पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक डिसेंट रिस्पॉन्स मिला जहाँ पे तीस मई दो हज़ार तेईस को पहले प्रीमियर करवाया गया रेजेंसी विलेज थिएटर में उसके बाद में दो जून दो हज़ार तेईस को यू एस कैनेडा इंडिया अलग अलग कंट्रीज़ में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया हंड्रेड यू एस मिलियन डॉलर के बजट के साथ जब फिल्म को रिलीज़ किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी पे, पे करीबन दो लाख सोलह हज़ार वोट हासिल हुए जिसमें आठ पॉइंट आठ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पांस हासिल किया जिसके चलते इस फिल्म का जो एक क्रेज़ था लोगों के बीच में अच्छा बन गया और आने वाले सिक्वल के लिए स्पिन ऑफ के लिए भी काफी बढ़िया तरीके से एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई और फिल्म ने डे बाई डे जिस तरह का कलेक्शन किया वो अपने आप में बड़ी बात है हंड्रेड यू मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस फिल्म ने छः लाख चौरासी हजार बीस यू मिलियन डॉलर का वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी जहां पे इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से एक अच्छा खासा रिस्पांस हासिल किया था जो फिल्म की कहानी थी जहाँ पे माइल्स मोरल्स यानी कि सैमिक मोर है जो ब्रुकलिन का ना फ्रेंडली नेबरहुड है स्पाइडरमैन का जो अपने खुद की जिंदगी में एक बिजी है जहाँ पे उसका एक लव इंटरेस्ट है करके जो माइल्स धीरे धीरे अलग अलग जो स्पाइ डिफरेंट स्पाइडर है पीपल है उस यूनिवर्स के साथ वो कैसे जॉइंट होता है उसके बाद में आ, किस तरह से जो चीज़ें वो अलग हो जाती है किस तरह से क्या मुसीबतें आती है उसके सामने वो कैसे खड़े रहते हैं वो ये सब चीज़ों में फिल्म की कहानी बताई गई है फर्स्ट पार्ट काफ़ी बड़ा हिट था तो सेकंड पार्ट के ऊपर आसानी से काफ़ी एक हाई एक्सपेक्टेशन थी उस एक्सपेक्टेशन के ऊपर एक फुलफिल पूरी तरह से होती है जो काफ़ी बढ़िया तरीके से डिफरेंट यूनिवर्स को जो क्रिएट किया होता है उसको जोइट किया होता है वो बढ़िया था कंप्यूटर एनिमेशन में जो सुपर हीरो क्रिएट किया हुआ है उसमें जो फिल्में बनाई गई ये फिल्म उसमें काफ़ी इन्जॉयबल है इमोशंस काफ़ी बढ़िया थे कन्वर्जेशन बढ़िया तरीके से क्रिएट की गई थी एक स्क्रीन प्ले अच्छा लिखा हुआ था अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर्स जिस तरह से इन्वॉल्व किए हुए थे वो आपको फिल्म में एक बढ़िया एंटरटेनमेंट देते फिल्म में माइल्स और क्वेंट की जो केमिस्ट्री दिखाई हुई है वो बढ़िया थी इसके अलावा इमोशनल सीन्स में जिस तरह से चीज़ों को क्रिएट किया हुआ है पेरेंट्स के बीच में क्वैन के बीच में वो वॉचेबल था डायलॉग्स अच्छी तरह से लिखे गए थे डेप्थ थे उसमें और इसके अलावा वो और आर्टिस्ट की तरफ से काफी बढ़िया काम किया गया था ओवरऑल इस फिल्म में ये सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी हाँ कुछ ऐसी चीजें थी जिसको सुधारा जा सकता था डायरेक्शन नेरेशन फिल्म का काफ़ी नीट नज़र आता है इसके अलावा बैकग्राउंड स्कोर भी काफ़ी बढ़िया था विजुअल्स काफ़ी स्टनिंग नज़र आते तो प्रोडक्शन वैल्यू तो वैसे भी काफ़ी टॉप शरीर थी एडिटिंग में थोड़ी चीजें और ऐसी चलते ये पाँच दस मिनट और छोटी हो जाती फिल्म क्रिस्प हो जाती बढ़िया हो जाती ओवरऑल विजुअली फिल्म है जहाँ पे आ, एंगेजिंग स्टोरी लाइन तो वैसी डीप में नहीं है पर लेकिन पार्ट्स वाइज फिल्म अच्छी वर्क करती है आ, ये फिल्म वैसे कोई डिसअपॉइंट तो नहीं करेगी क्योंकि फिल्म में जिस तरह चीज़ों को दिखाया वो बढ़िया है तो इस फिल्म को आप जरूर देख सकते हो अब बात कर ले कैसे कहाँ पे इस फिल्म को ऑफिशियली देख सकते हो उसके ऊपर तो इस फिल्म को ऑफिशियली आप देख सकते हो का जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर अमेज़न प्राइम वीडियो ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को रेंटल अवेलेबल किया हुआ है जी फाइव के ऊपर थ्री नाइन्टी नाइन में और अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर थ्री नाइन्टी नाइन में दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर आपको ये फिल्म काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेजेज़ में देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म में का हिंदी तमिल तेलुगू गुजराती इंग्लिश मराठी सभी वर्जन अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर अवेलेबल है तो वहाँ पर इन्जॉय कर सकते हो इसके अलावा स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर जो फिल्म है वो एक अच्छी फिल्म है इसे देखना चाहिए जहाँ पे इस फिल्म का अगर आपको ओ वर्जन नहीं देख पा रहे हो तो सैटेलाइट वर्जन है वो सोनी वालों ने खरीदा हुआ है तो सोनी में एक सो सोनी में एक्स एच डी चैनल के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन स्पाइडर मैन एकर द स्पाइडर वर्स बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ स्पाइडर मैन एक्रॉस द स्पाइडर वर्स जो फिल्म है उसको आप सी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम मीडिया ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर फिलहाल में थ्री नाइन्टी नाइन रुपीज पे करके ऑफिशियली देख सकते हो इसके अलावा इस फिल्म को वहाँ पे Multiple languages में अवेलेबल किया हुआ है फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो सोनी मैक्स के पास है तो उन्होंने इस फिल्म को कई बार प्रीमियर तो स्पाइडर हिंदी वर्जन में आप बिल्कुल में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से स्पाइडरमैन आप मल्टीपल लैंग्वेजेज में OTT और के ऊपर कर पाओगे Across the एक दो हजार तेईस के अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड सुपर हीरो फिल्म है। जिसको मार्वल को मार्वल कॉमिक के जो किरदार थे माइल्स मोरल्स या स्पाइडरमैन उससे इंस्पायर होकर क्रिएट किया हुआ है फिल्म को डरेक्ट किया हुआ था जो जैकमैन डोज सेंटोज के पावर्स और पावर्स और जस्टिन के थॉम्पसन ने इसके अलावा कहानी में फिल लोड क्रिस्टोफर माइल मिलर देव कलहम ने काम किया हुआ था जहाँ मोरवल मार्वल कॉमिक के किरदार के ऊपर इसकी कहानी को क्रिएट किया हुआ था फिल लोड क्रिस्टोफर मिलर एमी पास्कल एवी एरेड और क्रिस्टिना स्टेरबर्ग ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे कोलम्बिया पिक्चर्स मार्वल इंटरटेनमेंट सोनी पिक्चर्स एनिमेशन पास्कल पिक्चर्स लॉर्ड मिलर प्रोडक्शन और आराज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग के द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था वर्ल्ड वाइड लेवल पे बड़े पैमाने पे पे फिल्म का बजट करीब हंड्रेड यूएस मिलियन डॉलर था जहाँ पे माइकल एंड्रयू ने की हुई थी जिन्होंने का काम किया हुआ था जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स उनके द्वारा क्रिएट किए गए थे वॉइस कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो समिक मोर इस फिल्म में माइल्स मॉरल्स या स्पाइडरमैन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो टीनेजर अफ्रीकन अमेरिकन और रिक एन डिसन इसके अलावा हेली स्टेनफील्ड ने इस फिल्म में गेंस टैक्सी और स्पाइडर वूमन का रोल प्ले किया हुआ है ब्रायन टायर हेनरी को जेफ मॉरल्स ने वॉइस ओवर दे दिया होता उसके उसकी दर के लिए इसके अलावा लूरा लॉरेंस वेल्स ने इसमें रियो मॉरल्स का वॉइस ओवर किया हुआ था जेक जॉनसन ने पीटर बी पार्कर यानी स्पाइडर मैन का वॉइस ओवर दिया हुआ था जेसन स्वर्टमैन ने इस फिल्म में जॉन जोनाथन ऑन द स्पॉट का जो वॉइस ओवर था वो दिया हुआ था इस ने इस फिल्म में जेस्ट्री और स्पाइडर वुमन का वॉइस ओवर दिया हुआ था करण सोनी को पवित्र प्रभाकर यानी कि स्पाइडरमैन इंडिया का वॉइस ओवर दे दिया गया था इसके अलावा इस फिल्म में सीविंगम ने जॉर्ज टेसी का वॉइस ओवर दिया हुआ था ग्रेटा ली ने लिया का वॉइस ओवर दिया हुआ है डेनियल कलिया ने इस फिल्म में हॉबी ब्राउन यानी कि स्पाइडर पंक का वॉइस ओवर दिया हुआ था महर माहसाला अली ने इस फिल्म में एरोन डेविस का वॉइस ओवर दिया हुआ है ओस्कार आइजैक ने इस फिल्म में मिलेग ओक यानी कि स्पाइडर नाइट ट्वेंटी नाइन्टी नाइन का वॉइस ओवर दिया हुआ था इसके अलावा और भी कई कास्ट थी जहां पे कुछ किरदारों को अलग अलग आर्टिस्ट ने वॉइस ओवर दिया हुआ था प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो स्पाइडर मैन इंटू द वर्स फिल्म थी और 2018 में बनाए गए थे 2018 के एंड में उस फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब एक अच्छा रिस्पांस मिला उसके बाद में मेकर्स ने इसके सिकॉल्स के ऊपर भी अनाउंसमेंट की हुई थी और उसके बीच में कोविड आ गया जिसके चलते शूटिंग काफी डिले हो गई जो काम था वो नवम्बर दो में स्टार्ट होने वाला था लेकिन उसके बाद में चीज़ों को डिले किया गया और फिल्म की शूटिंग को दो के सॉरी फिल्म की जो का का प्रोसेस है उसके ऊपर दो से काम किया गया और 2023 के एंड तक इस फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया हुआ था तो 2023 में पूरी तरह से फिल्म को कंप्लीट करा जहाँ पे 240 किरदार इस फिल्म के साथ जुड़े हुए थे करीबन छः यूनिवर्स के साथ लिए गए थे करीबन हज़ार ऐसे लोग थे जो इस एनिमेशन फिल्म के साथ जुड़े हुए थे और ऐसा पहली बार किसी फिल्म के साथ हुआ था तो इस तरह से स्पाइडर मैन एक स्पाइडर वर्स के फिल्म के ऊपर डिटेलिंग में काम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की जो काम जो प्रोसेस थी जिस तरह की कास्टिंग थी वो सभी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से की गई थी वॉइस ओवर आर्टिस्ट के एनिमेशन और डिज़ाइन के ऊपर भी काफ़ी लंबे समय तक इसके ऊपर प्रोसेस की गई थी जहाँ पे अलग अलग, अलग कंट्रीज़ के लिए अलग अलग जो एनिमेशन है के प्रोजेक्ट थे वहाँ पे दिए गए थे जहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट करवाया बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में इस फिल्म को पूरी तरह से तैयार करवा के सेंसर करवाया और रिलीज के लिए तैयार करवाया हुआ था स्पाइडर मैन एक स्पाइडर वस फिल्म है उसके साउंड ट्रैक के ऊपर भी काफी बढ़िया काम किया गया था सैंतालीस मिनट दस सेकंड का साउंड ट्रैक था हिप हॉप ट्रैप और पॉप जोनर के साथ क्रिएट किया हुआ था दो जून दो को रिलीज किया हुआ था जहाँ पे भूमि और रिपब्लिक बैनर के द्वारा क्रिएट किया गया था और ये करीबन तेरह ट्रैक थे डिलक्स एडिशन में मिला ले तो टोटल अठारह ट्रैक थे इसके अलावा और भी कहीं जो गाने थे जो बैकग्राउंड था वो काफी सक्सेसफुल साबित हुआ था लोगों के बीच में पसंद आया था अब हम बात कर लेते हैं रिलीज के ऊपर स्पाइडर मैन एक फिल्म है वो काफी एक अच्छी रिलीज ले गई थी जहाँ पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक डिसेंट रिस्पॉन्स मिला जहाँ पे 30 मई 2023 को पहले प्रीमियर करवाया गया रेजेंसी विलेज थिएटर में उसके बाद में 2 जून 2023 को यूएस कनाडा इंडिया अलग अलग कंट्रीज में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया 100 यूएस मिलियन डॉलर के बजट के साथ जब फिल्म को रिलीज़ किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी पे करीबन दो वोट हासिल हुए जिसमें आठ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया जिसके चलते थी इस फिल्म का जो एक क्रेज था लोगों के बीच में अच्छा बन गया और आने वाले सीक्वल के लिए स्पिन ऑफ के लिए भी काफी बढ़िया तरीके से एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई और फिल्म ने डे बाय डे जिस तरह का कलेक्शन किया वो अपने आप में बड़ी बात है हंड्रेड यूएस मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस फिल्म ने छह लाख चौरासी हजार बीस यूएस मिलियन डॉलर का वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था बॉक्स ऑफिस ब्लॉक साबित हुई थी जहाँ पे इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स हासिल किया था जो फिल्म की कहानी थी यहाँ पे माइल्स मोरल्स यानी कि सेमिक मोर है जो ब्रुकलिन का ना फ्रेंडली नेबरहुड है स्पाइडरमैन का जो अपने खुद की ज़िंदगी में एक बिजी है जहाँ पे उसका एक लव इंटरेस्ट है वेंस्टेंसी करके जो माइल्स धीरे धीरे अलग अलग जो स्पाइडर डिफरेंट स्पाइडर है पीपल है उसके यूनिवर्स के साथ वो कैसे जॉइंट होता है उसके बाद में किस तरह से जो चीज़ें वो अलग हो जाती है किस तरह से क्या मुसीबतें आती है उसके सामने वो कैसे खड़े रहते हैं वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी बताई गई है फर्स्ट पार्ट काफ़ी बड़ा हिट था तो सेकंड पार्ट के ऊपर आसानी से काफ़ी एक हाई एक्सपेक्टेशन थी उस एक्सपेक्टेशन के ऊपर एक फुलफिल पूरी तरह से होती है जो काफ़ी बढ़िया तरीके से डिफरेंट यूनिवर्स को जो क्रिएट किया होता था उसको जॉइट किया तो वो बढ़िया था कंप्यूटर एनिमेशन में जो सुपर हीरो क्रिएट किया हुआ है उसमें जो फिल्में बनाई गई ये फिल्म उसमें काफ़ी इन्जॉयल है इमोशंस काफ़ी बढ़िया थे कन्वर्जेसन बढ़िया तरीके से क्रिएट की गई थी एक स्क्रीन प्ले अच्छा लिखा हुआ था अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर्स जिस तरह से इन्वॉल्व किए हुए थे वो आपको फिल्म में एक बढ़िया एंटरटेनमेंट देते फिल्म में माइल्स और की जो केमिस्ट्री दिखाई हुई है वो बढ़िया थी इसके अलावा इमोशनल सीन्स में जिस तरह से चीज़ों को क्रिएट किया हुआ पेरेंट्स के बीच में क्वेन के बीच में वो वॉचेबल था डायलॉग्स अच्छी तरह से लिखे गए थे डेप्थ थे उसमें और इसके अलावा वॉइस और आर्टिस्ट की तरफ से काफी बढ़िया काम किया गया था ओवरऑल इस फिल्म में सभी चीज़ें काफी बढ़िया थी हाँ कुछ ऐसी चीजें थी जिसको सुधारा जा सकता था डायरेक्शन नरेशन फिल्म का काफ़ी नीट नज़र आता है इसके अलावा बैकग्राउंड स्कोर भी काफ़ी बढ़िया था विजुअल्स काफ़ी स्टनिंग नजर आते तो प्रोडक्शन वैल्यू तो वैसे भी काफ़ी टॉप टोप रही थी एडिटिंग में थोड़ी चीज़ें और ऐसी थी अननेसेसरी सेंस है जिसको चॉप अप किया जा सकता था जिसके चलते पाँच दस मिनट और छोटी हो जाती फिल्म क्रिस्प हो जाती बढ़िया हो जाती ओवरऑल विजुअली एन्जॉएबल फिल्म है जहाँ पे एंगेजिंग स्टोरी लाइन तो वैसी डीप में नहीं है पर लेकिन पार्ट्स वाइज फिल्म अच्छी वर्क करती है ये फिल्म वैसे कोई डिसअपॉइंट तो नहीं करेगी क्योंकि फिल्म में जिस तरह चीज़ों को दिखाया वो बढ़िया है तो इस फिल्म को आप जरूर देख सकते हो अब बात कर ले कैसे कहाँ पे इस फिल्म को ऑफिशियली देख सकते हो उसके ऊपर तो इस फिल्म को ऑफिशियली आप देख सकते हो का जी फाइव ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर अमेज़न प्राइम वीडियो ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को रेंटल अवेलेबल किया हुआ है जी फाइव के ऊपर थ्री नाइन्टी नाइन में और अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर थ्री नाइन्टी नाइन में दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर आपको ये फ़िल्म काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेज में देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म में का हिंदी तमिल तेलुगु गुजराती इंग्लिश मराठी सभी वर्जन अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर अवेलेबल है तो वहाँ पर इन्जॉय कर सकते हो इसके अलावा स्पाइडर मैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स जो फिल्म है वो एक अच्छी फिल्म है इसे देखना चाहिए जहाँ पे इस फिल्म का अगर आपको ओ टी टी वर्जन नहीं देख पा रहे हो तो सैटेलाइट वर्जन है वो सोनी वालों ने खरीदा हुआ है तो सोनी में एक सोनी में एक्स एच डी चैनल के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन स्पाइडर मैन द स्पाइडर वर्स बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ स्पाइडर मैन द स्पाइडर वर्स जो फिल्म है उसको आप सी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर फिलहाल में थ्री नाइनटी नाइन रुपीज पे करके ऑफिशियली देख सकते हो इसके अलावा इस फिल्म को वहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेज में अवेलेबल किया हुआ है फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो सोनी मैक्स के पास है तो उन्होंने इस फिल्म को कई बार प्रीमियर करवाया हुआ है तो स्पाइडर मैन द स्पाइडर वर्स फिल्म वहाँ पे हिंदी वर्जन में आप बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से स्पाइडर मैन द स्पाइडर वर्स फिल्म आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में ओटीटी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स एक 2023 के अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड सुपर हीरो फिल्म है जिसको मार्वल को मार्वल कॉमिक के जो किरदार थे माइल्स मोरल्स या स्पाइडरमैन उससे इंस्पायर्ड होकर क्रिएट किया हुआ है फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था जो जैक मेन डॉस और पावर्स और जस्टिन के थॉम्सन ने इसके अलावा कहानी में फिल लोड क्रिस्टोफर माइल मिलर देव कैलहम ने काम किया हुआ था जहाँ मार्वल कॉमिक के किरदार के ऊपर इसकी कहानी को क्रिएट किया हुआ था फिल लोड क्रिस्टोफर मिलर एमी पास्कल एवी एरेड और क्रिस्टिना स्टेरबर्ग ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे कोलम्बिया पिक्चर्स मार्वल इंटरटेनमेंट सोनी पिक्चर्स एनिमेशन पास्कल पिक्चर्स लॉर्ड मिलर प्रोडक्शन और आर प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सोने पिक्चर्स रिलीजिंग के द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था वर्ल्ड वाइड लेवल पे बड़े पैमाने पे, पे। जहाँ पे फिल्म का बजट करीबन हंड्रेड यूएस मिलियन डॉलर था, था। काफ़ी हाई बजट के साथ बनाई गई फिल्म थी जहाँ पे एडिटिंग फिल्म के माइकल एंड्रयू ने की हुई थी जिन्होंने इस फिल्म को एक यानी कि दो घंटे बीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ था इसके अलावा म्यूजिक में डेनियल पेमरबल्टन ने काम किया हुआ था जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स उनके द्वारा क्रिएट किए गए थे वॉइस कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो सामिक मोर इस फिल्म में माइल्स मॉरल्स या स्पाइडरमैन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो टीनेजर है अफ्रीकन अमेरिकन और फ्योटो रिक एन इसके अलावा हेली स्टेनफील्ड ने इस फिल्म में स्टेक्सी और स्पाइडर वुमन का रोल प्ले किया हुआ है ब्रायन टायर हेनरी को जेफ मोरल्स ने वॉइस ओवर दे दिया हुआ था उसकी दर के लिए इसके अलावा लूरा लॉरेंस वेल्स ने इसमें रियो मॉरल्स का वॉइस ओवर किया हुआ था जेक जॉनसन ने पीटर बी पार्कर यानी स्पाइडर मैन का वॉइस ओवर दिया हुआ था जेसन स्वेटमैन ने इस फिल्म में जॉन जो नाथन ऑन द स्पॉट का जो वॉइस ओवर था वो दिया हुआ था इस ने इस फिल्म में जेज ट्री और स्पाइडर वुमन का वॉइस ओवर दिया हुआ था करण सोनी को पवित्र प्रभाकर यानी कि स्पाइडर मैन इंडिया का वॉइस ओवर दे दिया गया था इसके अलावा इस फिल्म में सीविंग ने जॉर्ज टेसी का वॉइस ओवर दिया हुआ था क्रेटा ली ने लिया लिया का वॉइस ओवर दिया हुआ है डेनियल कलवा कलिया इस फिल्म में हॉबी ब्राउन यानी कि स्पाइडर पंख का वॉइस ओवर दिया हुआ था महर आ, महरसाला अली ने इस फिल्म में एरन डेविस का वॉइस ओवर दिया हुआ है ओस्कार आइजेक ने इस फिल्म में मिलेगा यानी कि स्पाइडर नाइट ट्वेंटी नाइनटी नाइन का वॉइस ओवर दिया हुआ था इसके अलावा और भी कई कास्ट थी जहां पे कुछ किरदारों को अलग अलग आर्टिस्ट ने वॉइस ओवर दिया हुआ था प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो स्पाइडर मैन इंटू द वर्स फिल्म थी और 2018 में बनाई गए थे 2018 के एंड में उस फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब एक अच्छा रिस्पांस मिला उसके बाद में मेकर्स ने इसके सिकॉल्स के ऊपर भी अनाउंसमेंट की हुई थी और उसके बीच में कोविड आ गया जिसके चलते शूटिंग काफ़ी डिले हो गई जो काम था वो नवम्बर दो में स्टार्ट होने वाला था लेकिन उसके बाद में चीज़ों को डिले किया गया और फिल्म की शूटिंग को दो के सॉरी फिल्म की जो का का, का, का प्रोसेस है उसके ऊपर 2021 से काम किया गया और 2023 के एंड तक इस फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया हुआ था तो ये 2023 में पूरी तरह से फिल्म को कंप्लीट करा जहाँ पे 240 किरदार इस फिल्म के साथ जुड़े हुए थे करीबन छः यूनिवर्स के साथ लिए गए थे करीबन हज़ार ऐसे लोग थे जो इस एनिमेशन फिल्म के साथ जुड़े हुए थे और ऐसा पहली बार किसी फिल्म के साथ हुआ था तो इस तरह से स्पाइडर मैन एक स्पाइडर वर्स के फिल्म के ऊपर डिटेलिंग में काम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की जो काम जो प्रोसेस थी जिस तरह की कास्टिंग थी वो सभी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से की गई थी वॉइस ओवर आर्टिस्ट के एनिमेशन और डिज़ाइन के ऊपर भी काफ़ी लंबे समय तक इसके ऊपर प्रोसेस की गई थी जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के लिए अलग अलग जो एनिमेशन है के प्रोजेक्ट थे वहाँ पे दिए गए थे जहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट करवाया बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में इस फिल्म को पूरी तरह से तैयार करवा के सेंसर करवाया और रिलीज़ के लिए तैयार करवाया हुआ था स्पाइडर मैन एक स्पाइडर वस फिल्म है उसके साउंड ट्रैक के ऊपर भी काफ़ी बढ़िया काम किया गया था सैंतालीस मिनट दस सेकेंड का ये साउंड ट्रैक था हिप हॉप ट्रैप और पॉप जोनर के साथ क्रिएट किया हुआ था दो जून दो को रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पर भूमिनाथे और रिपब्लिक बैनर के द्वारा क्रिएट किया गया था और ये करीबन तेरह ट्रैक थे डिलक्स एडिशन में मिला ले तो टोटल अट्ठारह ट्रैक थे इसके अलावा और भी कहीं जो गाने थे जो बैकग्राउंड स्कोर था वो काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुआ था लोगों के बीच में पसंद आया था अब हम बात कर लेते हैं रिलीज के ऊपर स्पाइडर मैन एक स्पाइडर वर्स जो फिल्म है वो काफ़ी एक अच्छी रिलीज ली गई थी जहाँ पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक डिसेंट रिस्पॉन्स मिला जहाँ पे 30 मई 2023 को पहले प्रीमियर करवाया गया रेजेंसी विलेज थिएटर में उसके बाद में 2 जून 2023 को यूएस कनाडा इंडिया अलग अलग कंट्रीज में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया 100 यूएस मिलियन डॉलर के बजट के साथ जब फिल्म को रिलीज़ किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्सड तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी पे करीबन दो वोट हासिल हुए जिसमें आठ आठ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पांस हासिल किया जिसके चलते इस फिल्म का जो एक क्रेज था लोगों के बीच में अच्छा बन गया और आने वाले सिक्वल के लिए स्पिन ऑफ के लिए भी काफी बढ़िया तरीके से एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई और फिल्म ने डे बाई डे जिस तरह का कलेक्शन किया वो अपने आप में बड़ी बात है हंड्रेड यू मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस फिल्म ने छः लाख चौरासी हज़ार बीस यू मिलियन डॉलर का वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी जहां पे इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स हासिल किया था जो फिल्म की कहानी थी जहाँ पे माइल्स जा मोरल्स यानी कि सैमिक मोर है जो ब्रुकलिन का ना फ्रेंडली नेबरहुड है स्पाइडरमैन का जो अपने खुद की जिंदगी में एक बिजी है जहाँ पे उसका एक लव इंटरेस्ट है करके जो माइल्स धीरे धीरे अलग अलग जो स्पाइड डिफरेंट स्पाइडर है पीपल है उसके यूनिवर्स के साथ वो कैसे जॉइंट होता है उसके बाद में आ, किस तरह से जो चीज़ें वो अलग हो जाती है किस तरह से क्या मुसीबतें आती है उसके सामने वो कैसे खड़े रहते हैं वो ये सब चीज़ों में फिल्म की कहानी बताई गई है फर्स्ट पार्ट काफ़ी बड़ा हिट था तो सेकंड पार्ट के ऊपर आसानी से काफ़ी एक हाई एक्सपेक्टेशन थी उस एक्सपेक्टेशन के ऊपर एक फुलफिल पूरी तरह से होती है जो काफ़ी बढ़िया तरीके से डिफरेंट यूनिवर्स को जो क्रिएट किया होता है उसको जो किया तो वो बढ़िया था कंप्यूटर एनिमेशन में जो सुपर हीरो क्रिएट किया हुआ है उसमें जो फिल्में बनाई गई ये फिल्म उसमें काफ़ी इन्जॉयबल है इमोशंस काफ़ी बढ़िया थे कन्वर्जेशन बढ़िया तरीके से क्रिएट की गई थी एक स्क्रीन प्ले अच्छा लिखा हुआ था अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर्स जिस तरह से इन्वॉल्व किए हुए थे वो आपको फिल्म में एक बढ़िया एंटरटेनमेंट देते फिल्म में माइल्स और क्वेन की जो केमिस्ट्री दिखाई हुई है वो बढ़िया थी इसके अलावा इमोशनल सीन्स में जिस तरह से चीज़ों को क्रिएट किया हुआ पेरेंट्स के बीच में क्वेन के बीच में वो वॉचेबल था डायलॉग्स अच्छी तरह से लिखे गए थे डेप्थ थे उसमें और इसके अलावा वो इस आर्टिस्ट की तरफ से काफ़ी बढ़िया काम किया गया था ओवरऑल इस फिल्म में ये सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी हाँ कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको सुधारा जा सकता था डायरेक्शन नरेशन फिल्म का काफ़ी नीट नज़र आता है इसके अलावा बैकग्राउंड स्कोर भी काफ़ी बढ़िया था विजुअल्स काफ़ी स्टनिंग नज़र आते तो प्रोडक्शन वैल्यू तो वैसे भी काफ़ी टॉप टोप रही थी एडिटिंग में थोड़ी चीज़ें और ऐसी थी अननेसेसरी सीन से जिसको चॉप अप किया जा सकता था जिसके चलते ये पाँच दस मिनट और छोटी हो जाती फिल्म क्रिस्प हो जाती बढ़िया हो जाती ओवरऑल विजुअली एन्जॉएबल फिल्म है जहाँ पे एंगेजिंग स्टोरी लाइन तो वैसी डीप में नहीं है पर लेकिन पार्ट्स वाइज फिल्म अच्छी वर्क करती है ये फिल्म वैसे कोई डिसअपॉइंट तो नहीं करेगी क्योंकि फिल्म में जिस तरह चीज़ों को दिखाया वो बढ़िया है तो इस फिल्म को आप जरूर देख सकते हो अब बात कर ले इसे कहाँ पर इस फिल्म को ऑफिशियली देख सकते हो उसके ऊपर तो इस फिल्म को ऑफिशियली आप देख सकते हो का जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर अमेज़न प्राइम वीडियो ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को रेंटली अवेलेबल किया हुआ है जी फाइव के ऊपर थ्री नाइन्टी नाइन में और अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर थ्री नाइन्टी नाइन में दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर आपको ये फिल्म काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेजेज़ में देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म में हिंदी तमिल तेलुगु गुजराती इंग्लिश मराठी सभी वर्जन अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर अवेलेबल है तो वहाँ पर इन्जॉय कर सकते हो इसके अलावा स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स जो फिल्म है वो एक अच्छी फिल्म है इसे देखना चाहिए जहाँ पे इस फिल्म का अगर आपको ओ वर्जन नहीं देख पा रहे हो तो सैटेलाइट वर्जन है वो सोनी वालों ने खरीदा हुआ है तो सोनी मैक्स एक सोनी मैक्स एक एच डी चैनल के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन स्पाइडर मैन एक द स्पाइडर वर्स बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ स्पाइडर मैन एक्रॉस द स्पाइडर वर्स जो फिल्म है उसको आप सी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो ओ टी के ऊपर फिलहाल में थ्री नाइन्टी पे करके ऑफिशियली देख सकते हो इसके अलावा इस फिल्म को वहाँ पर

जिसको मार्वल को मार्वल कॉमिक के जो किरदार थे माइल्स मोरल्स या स्पाइडरमैन उससे इंस्पायर होकर क्रिएट किया हुआ है फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था जो जैकवन डोज सेंटोज के पोवर्स और पावर्स और जस्टिन के थॉम्पसन ने इसके अलावा कहानी में फिल लोड क्रिस्टोफर माइल मिलर देव कलहम ने काम किया हुआ था जहाँ मोरवल मारवल कॉमी के किरदार के ऊपर इसकी कहानी को क्रिएट किया हुआ था फिल लोड क्रिस्टोफर मिलर एमी पास्कल एवी एरेड और क्रिस्टिना स्टेरबर्ग ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे कोलम्बिया पिक्चर्स मार्वल इंटरटेनमेंट सोनी पिक्चर्स एनिमेशन पास्कल पिक्चर्स लॉर्ड मिलर प्रोडक्शन और अराज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग के द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था वर्ल्ड वाइड लेवल पे बड़े पैमाने पे

रिकन इसके अलावा हेली स्टेनफील्ड ने इस फिल्म में गेंस टैक्सी और स्पाइडर वुमन का रोल प्ले किया हुआ है ब्रायन टायर हेनरी को जेफ मोरल्स ने वॉइस ओवर दे दिया हुआ था उसकी दर के लिए इसके अलावा लूरा लॉरेंस वेल्स ने इसमें रियो मोरल्स का वॉइस ओवर किया हुआ था जेक जॉनसन ने पीटर बी पार्कर यानी स्पाइडरमैन का वॉइस ओवर दिया हुआ था जेसन स्वर्टमैन ने इस फिल्म में जॉन जोनाथन ऑन द स्पॉट का जो वॉइस ओवर था वो दिया हुआ था इज राय ने इस फिल्म में जेज ट्री और स्पाइडर वूमन का वॉइस ओवर दिया हुआ था करण सोनी को पवित्र प्रभाकर यानी कि स्पाइडर मैन इंडिया का वॉइस ओवर दे दिया गया था इसके अलावा इस फिल्म में सीविंगम ने जॉर्ज टेसी का वॉइस ओवर दिया हुआ था कलिया ने, लिया ने इस फिल्म में हॉबी ब्राउन यानी कि स्पाइडर पंख का वॉइस और दिया हुआ था महर आ, महरसाला अली ने इस फिल्म में एरोन डेविस का वॉइस और दिया हुआ है ओस्कार आइजेक ने इस फिल्म में मिलेगा ओक रहा यानी कि स्पाइडर नाइट ट्वेंटी नाइन्टी नाइन का वॉइस ओवर दिया हुआ था इसके अलावा और भी कई कास्ट थी जहाँ पे कुछ किरदारों को अलग अलग आर्टिस्ट ने वॉइस ओवर दिया हुआ था प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करे तो स्पाइडर मैन इंटू द स्पाइडर वर्स फिल्म थी वो 2018 में बनाई गई थी 2018 के एंड में उस फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब एक अच्छा रिस्पांस मिला उसके बाद में मेकर्स ने इसके सिकल्स के ऊपर भी अनाउंसमेंट की हुई थी और उसके बीच में कोविड आ गया जिसके चलते शूटिंग काफ़ी डिले हो गई जो काम था वो नवम्बर दो में स्टार्ट होने वाला था लेकिन उसके बाद में चीज़ों को डिले किया गया और फिल्म की शूटिंग को दो के सॉरी फिल्म की जो का का, का, का प्रोसेस है उसके ऊपर दो से काम किया गया और 2023 के एंड तक इस फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया हुआ था तो ये 2023 में पूरी तरह से फिल्म को कंप्लीट करा जहाँ पे 240 किरदार इस फिल्म के साथ जुड़े हुए थे करीबन छः यूनिवर्स के साथ लिए गए थे करीबन हज़ार ऐसे लोग थे जो इस एनिमेशन फिल्म के साथ जुड़े हुए थे और ऐसा पहली बार किसी फिल्म के साथ हुआ था तो इस तरह से स्पाइडर मैन एक स्पाइडर वर्स के फिल्म के ऊपर डिटेलिंग में काम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की जो काम जो प्रोसेस थी जिस तरह की कास्टिंग थी वो सभी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से की गई थी वॉइस ओवर आर्टिस्ट की एनिमेशन और डिज़ाइन के ऊपर भी काफ़ी लंबे समय तक इसके ऊपर प्रोसेस की गई थी जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग जो एनिमेशन के प्रोजेक्ट थे वहाँ पे दिए गए थे जहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट करवाया बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में इस फिल्म को पूरी तरह से तैयार करवा के सेंसर करवाया और रिलीज के लिए तैयार करवाया हुआ था स्पाइडर मैन एक स्पाइडर वस फिल्म है उसके साउंड ट्रैक के ऊपर भी काफ़ी बढ़िया काम किया गया था सैंतालीस मिनट दस सेकंड का साउंड ट्रैक था हिप हॉप ट्रैप और पॉप जोनर के साथ क्रिएट किया हुआ था दो जून दो को रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पर भूमिनाथ और रिपब्लिक बैनर के द्वारा क्रिएट किया गया था और ये करीबन तेरह ट्रैक थे डिलक्स एडिशन में मिला ले तो टोटल अट्ठारह ट्रैक थे इसके अलावा और भी कहीं जो गाने थे जो बैकग्राउंड था वो काफी सक्सेसफुल साबित हुआ था लोगों के बीच में पसंद आया था अब हम बात कर लेते हैं रिलीज के ऊपर स्पाइडर मैन एक जो फिल्म है वो काफी एक अच्छी रिलीज ली गई थी जहाँ पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक डिसेंट रिस्पॉन्स मिला जहाँ पे 30 मई 2023 को पहले प्रीमियर करवाया गया रेजेंसी विलेज थिएटर में उसके बाद में 2 जून 2023 को यूएस कनाडा इंडिया अलग अलग कंट्रीज़ में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया 100 यूएस मिलियन डॉलर के बजट के साथ जब फिल्म को रिलीज़ किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी पे करीबन दो वोट हासिल हुए जिसमें आठ आठ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पांस हासिल किया जिसके चलते इस फिल्म का जो एक क्रेज था लोगों के बीच में अच्छा बन गया और आने वाले सिकवल के लिए स्पिन ऑफ के लिए भी काफी बढ़िया तरीके से एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई और फिल्म ने डे बाय डे जिस तरह का कलेक्शन किया वो अपने आप में बड़ी बात है हंड्रेड यू मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस फिल्म ने छह लाख चौरासी हजार बीस यूएस मिलियन डॉलर का वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था बॉक्स ऑफिस ब्लॉक साबित हुई थी जहां पे इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स हासिल किया था जो फिल्म की कहानी थी जहाँ पे जा माइल्स नेबरहुड है, जो, का ना फ्रेंडली नेबर है का जो अपने खुद की जिंदगी में एक बिजी है जहाँ पे उसका एक लव इंटरेस्ट इंटरेस्टेंसी करके जो माइल्स धीरे धीरे अलग अलग जो डिफरेंट स्पाइडर है पीपल है उस यूनिवर्स के साथ वो कैसे जॉइंट होता है उसके बाद में आ, किस तरह से जो चीज़ें वो अलग हो जाती है किस तरह से क्या मुसीबतें आती है उसके सामने वो कैसे खड़े रहते हैं वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी बताई गई है फर्स्ट पार्ट काफ़ी बड़ा हिट था तो सेकंड पार्ट के ऊपर आसानी से काफ़ी एक हाई एक्सपेक्टेशन थी उस एक्सपेक्टेशन के ऊपर एक फुलफिल पूरी तरह से होती है जो काफ़ी बढ़िया तरीके से डिफरेंट यूनिवर्स को जो क्रिएट किया हुआ था तो उसको जॉइंट किया तो वो बढ़िया था कंप्यूटर एनिमेशन में जो सुपर हीरो क्रिएट किया हुआ है उसमें जो फिल्में बनाई गई ये फिल्म उसमें काफ़ी इंजॉयबल है इमोशंस काफ़ी बढ़िया थे कन्वर्जेशन बढ़िया तरीके से क्रिएट की गई थी एक स्क्रीन प्ले अच्छा लिखा हुआ था अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर्स जिस तरह से इन्वॉल्व किए हुए थे वो आपको फिल्म में एक बढ़िया एंटरटेनमेंट देते फिल्म में माइल्स और की जो केमिस्ट्री दिखाई हुई है वो बढ़िया थी इसके अलावा इमोशनल सीन्स में जिस तरह से चीजों को क्रिएट किया हुआ है पेरेंट्स के बीच में वैन के बीच में वो वॉचेबल था डायलॉग्स अच्छी तरह से लिखे गए थे डेप्थ थे उसमें और इसके अलावा आर्टिस्ट की तरफ से काफी बढ़िया काम किया गया था ओवरऑल इस फिल्म में यह सभी चीजें काफी बढ़िया थी हाँ कुछ ऐसी चीजें थी जिसको सुधारा जा सकता था डायरेक्शन निरेशन फिल्म का काफी नीट नजर आता है इसके अलावा बैकग्राउंड स्कोर भी काफी बढ़िया था विजुअल्स काफी स्टनिंग नजर आते तो प्रोडक्शन वैल्यू तो वैसे भी काफी टॉप चरित थी एडिटिंग में थोड़ी चीजें और ऐसी थी अननेसेसरी अननेसे जिसको चॉप अप किया जा सकता था जिसके चलते पाँच दस मिनट और छोटी हो जाती फिल्म क्रिस्प हो जाती बढ़िया हो जाती ओवरऑल विजुअली एंजॉएबल फिल्म है जहाँ पे एंगेजिंग स्टोरी लाइन तो वैसी डीप में नहीं है पर लेकिन पार्ट्स वाइज फिल्म अच्छी वर्क करती है ये फिल्म वैसे कोई डिसअपॉइंट तो नहीं करेगी क्योंकि फिल्म में जिस तरह चीज़ों को दिखाया वो बढ़िया है तो इस फिल्म को आप जरूर देख सकते हो अब बात कर ले कैसे कहाँ पे इस फिल्म को ऑफिशियली देख सकते हो उसके ऊपर तो इस फिल्म को ऑफिशियली आप देख सकते हो जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर अमेज़न प्राइम वीडियो ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को रेंटल अवेलेबल किया हुआ है जी फाइव के ऊपर थ्री नाइनटी नाइन में और अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर थ्री नाइन्टी नाइन में दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर आपको ये फ़िल्म काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेज में देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म में का हिंदी तमिल तेलुगु गुजराती इंग्लिश मराठी सभी वर्जन अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर अवेलेबल है तो वहाँ पे इन्जॉय कर सकते हो इसके अलावा स्पाइडर मैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स जो फिल्म है वो एक अच्छी फिल्म है इसे देखना चाहिए जहाँ पे इस फिल्म का अगर आपको ओ टी टी वर्जन नहीं देख पा रहे हो तो सैटेलाइट वर्जन है वो सोनी वालों ने खरीदा हुआ है तो सोनी में एक सोनी में एक्स एच डी चैनल के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन स्पाइडर मैन द स्पाइडर वर्स बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ स्पाइडर मैन एक स्पाइडर फिल्म है उसको आप सी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर फिलहाल में थ्री नाइनटी नाइन रुपीज पे करके ऑफिशियली देख सकते हो इसके अलावा इस फिल्म को वहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेज में अवेलेबल किया हुआ है फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो सोनी मैक्स के पास है तो उन्होंने इस फिल्म को कई बार प्रीमियर करवाया हुआ है तो स्पाइडर मैन द स्पाइडर वर्स फिल्म वहाँ पे हिंदी वर्जन में आप बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से स्पाइडर मैन द स्पाइडर वर्स फिल्म आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में ओटीटी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स एक 2023 के अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड सुपर हीरो फिल्म है जिसको मार्वल को मार्वल कॉमिक के जो किरदार थे माइल्स मोरल्स या स्पाइडरमैन उससे इंस्पायर्ड होकर क्रिएट किया हुआ है फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था जो जैक मेन डोज़ और पावर्स और जस्टिन के एम्पसन ने इसके अलावा कहानी में फिल लोड क्रिस्टोफर माइल मिलर देव कलहम ने काम किया हुआ था जहाँ मार्वल कॉमिक के किरदार के ऊपर इसकी कहानी को क्रिएट किया हुआ था फिल लोड क्रिस्टोफर मिलर एमी पासकल एवी एरेड और क्रिस्टिना स्टेरबर्ग ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे कोलम्बिया पिक्चर्स मार्वल इंटरटेनमेंट सोनी पिक्चर्स एनिमेशन पास्कल पिक्चर्स लॉर्ड मिलर प्रोडक्शन और आर प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सोने पिक्चर्स रिलीजिंग के द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था वर्ल्ड वाइड लेवल पे बड़े पैमाने पे, पे। जहाँ पे फिल्म का बजट करीबन 100 यूएस मिलियन डॉलर था, था। काफ़ी हाई बजट के साथ बनाई गई फिल्म थी जहाँ पे एडिटिंग फिल्म के माइकल एंड्रयू ने की हुई थी जिन्होंने इस फिल्म को एक यानी कि दो घंटे बीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ था इसके अलावा म्यूजिक में डेनियल पेमरबल्टोन ने काम किया हुआ था जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स उनके द्वारा क्रिएट किए गए थे वॉइस कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो सामिक मोर इस फिल्म में माइल्स मॉरल्स या स्पाइडरमैन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो टीनेजर है अफ्रीकन अमेरिकन और फ्योटो रिकन डिस इसके अलावा हेली स्टेनफील्ड ने इस फिल्म में गुवेन स्टेक्सी और स्पाइडर वूमन का रोल प्ले किया हुआ है प्राइन टायर हेनरी को जेफ मोरल्स ने वॉइस ओवर दे दिया हुआ था उसकी दर के लिए इसके अलावा लूरा लॉरेंस वेल्स ने इसमें रियो मोरल्स का वॉइस ओवर किया हुआ था जेक जॉनसन ने पीटर बी पार्कर यानि स्पाइडरमैन का वॉइस ओवर दिया हुआ था जेसन स्वेटमैन ने इस फिल्म में जॉन जोनाथन ऑन द स्पॉट का जो वॉइस ओवर था वो दिया हुआ था इज राय ने इस फिल्म में जेज ट्रू और स्पाइडर वुमन का वॉइस ओवर दिया हुआ था करण सोनी को पवित्र प्रभाकर यानी कि स्पाइडर मैन इंडिया का वॉइस ओवर दे दिया गया था इसके अलावा इस फिल्म में विंगम ने जॉर्ज टेसी का वॉइस ओवर दिया हुआ था क्रेटाली ली ने लिया लिया का वॉइस और दिया हुआ है डेनियल कलवा कलिया ने इस फिल्म में हॉबी ब्राउन यानी कि स्पाइडर पंक का वॉइस और दिया हुआ था महर आ, महरसाला अली ने इस फिल्म में एरोन डेविस का वॉइस और दिया हुआ है ओस्कार आइजेक ने इस फिल्म में ओक हरा यानी कि स्पाइडर नाइट ट्वेंटी नाइनटी नाइन का दिया हुआ था इसके अलावा और भी कई कास्ट थी जहां पे कुछ किरदारों को अलग अलग आर्टिस्ट ने ओवर दिया हुआ था प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स फिल्म थी और 2018 में बनाए गए थे 2018 के एंड में उस फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब एक अच्छा रिस्पांस मिला उसके बाद में मेकर्स ने इसके सिकॉल्स के ऊपर भी अनाउंसमेंट की हुई थी और उसके बीच में कोविड आ गया जिसके चलते शूटिंग काफ़ी डिले हो गई जो काम था वो नवम्बर दो में स्टार्ट होने वाला था लेकिन उसके बाद में चीज़ों को डिले किया गया और फिल्म की शूटिंग को दो के सॉरी फिल्म की जो का का प्रोसेस है उसके ऊपर दो से काम किया गया और 2023 के एंड तक इस फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया हुआ था तो ये 2023 में पूरी तरह से फिल्म को कंप्लीट करा जहाँ पे 240 किरदार इस फिल्म के साथ जुड़े हुए थे करीबन छः यूनिवर्स के साथ लिए गए थे करीबन हज़ार ऐसे लोग थे जो इस एनिमेशन फिल्म के साथ जुड़े हुए थे और ऐसा पहली बार किसी फिल्म के साथ हुआ था तो इस तरह से स्पाइडर मैन एक स्पाइडर वर्स के फिल्म के ऊपर डिटेलिंग में काम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की जो काम जो प्रोसेस थी जिस तरह की कास्टिंग थी वो सभी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से की गई थी वॉइस ओवर आर्टिस्ट के एनिमेशन और डिज़ाइन के ऊपर भी काफ़ी लंबे समय तक इसके ऊपर प्रोसेस की गई थी जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के लिए अलग अलग जो एनिमेशन के प्रोजेक्ट थे वहाँ पे दिए गए थे जहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट करवाए बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में इस फिल्म को पूरी तरह से तैयार करवा के सेंसर करवाया और रिलीज के लिए तैयार करवाया हुआ था स्पाइडर मैन एक जो स्पाइडर वस फिल्म है उसके साउंड ट्रैक के ऊपर भी काफ़ी बढ़िया काम किया गया था सैंतालीस मिनट दस सेकंड का साउंड ट्रैक था हिप हॉप ट्रैप और पॉप जोनर के साथ क्रिएट किया हुआ था दो जून दो को रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे भूमि और रिपब्लिक बैनर के द्वारा क्रिएट किया गया था और ये करीबन तेरह ट्रैक थे डिलक्स एडिशन में मिला ले तो टोटल अट्ठारह ट्रैक थे इसके अलावा और भी कहीं जो गाने थे जो बैकग्राउंड स्कोर था वो काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुआ था लोगों के बीच में पसंद आया था अब हम बात कर लेते हैं रिलीज के ऊपर स्पाइडर मैन एक स्पाइडर वर्स जो फिल्म है वो काफ़ी एक अच्छी रिलीज ली गई थी जहाँ पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक डिसेंट रिस्पॉन्स मिला जहाँ पे 30 मई 2023 को पहले प्रीमियर करवाया गया रेजेंसी विलेज थिएटर में उसके बाद में 2 जून 2023 को यूएस कनाडा इंडिया अलग अलग कंट्रीज में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया 100 यूएस मिलियन डॉलर के बजट के साथ जब फिल्म को रिलीज़ किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी पे करीबन दो वोट हासिल हुए जिसमें आठ आठ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पांस हासिल किया जिसके चलते इस फिल्म का जो एक क्रेज़ था लोगों के बीच में अच्छा बन गया और आने वाले सीक्वल के लिए स्पिन ऑफ के लिए भी काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई और फिल्म ने डे बाय डे जिस तरह का कलेक्शन किया वो अपने, अपने आप में बड़ी बात है हंड्रेड यू मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस फिल्म ने छः लाख चौरासी हज़ार बीस यू मिलियन डॉलर का वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था बॉक्स ऑफिस ब्लॉक साबित हुई थी जहाँ पे इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स हासिल किया था जो फिल्म की कहानी थी जहाँ पे माइल्स मोरल्स यानी कि सेमिक मोर है जो ब्रुकलिन का ना फ्रेंडली नेबरहुड है स्पाइडरमैन का जो अपने खुद की जिंदगी में एक बिजी है जहाँ पे उसका एक लव इंटरेस्ट है करके जो माइल्स धीरे धीरे अलग अलग जो स्पाइ डिफरेंट स्पाइडर है पीपल है उसके यूनिवर्स के साथ वो कैसे जॉइंट होता है उसके बाद में किस तरह से जो चीज़ें वो अलग हो जाती है किस तरह से क्या मुसीबतें आती है उसके सामने वो कैसे खड़े रहते हैं वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी बताई गई है फर्स्ट पार्ट काफ़ी बड़ा हिट था तो सेकंड पार्ट के ऊपर आसानी से काफ़ी एक हाई एक्सपेक्टेशन थी उस एक्सपेक्टेशन के ऊपर एक फुलफिल पूरी तरह से होती है जो काफ़ी बढ़िया तरीके से डिफरेंट यूनिवर्स को जो क्रिएट किया हुआ था तो उसको जॉइट किया तो वो बढ़िया था कंप्यूटर एनिमेशन में जो सुपर हीरो क्रिएट किया हुआ है उसमें जो फिल्में बनाई गई ये फिल्म उसमें काफ़ी इंजॉयबल है इमोशंस काफ़ी बढ़िया थे कन्वर्जेशन बढ़िया तरीके से क्रिएट की गई थी एक स्क्रीन प्ले अच्छा लिखा हुआ था अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर्स जिस तरह से इन्वॉल्व किए हुए थे वो आपको फिल्म में एक बढ़िया एंटरटेनमेंट देते फिल्म में माइल्स और क्वेन कि जो केमिस्ट्री दिखाई हुई है वो बढ़िया थी इसके अलावा इमोशनल सीन्स में जिस तरह से चीज़ों को क्रिएट किया हुआ है पेरेंट्स के बीच में क्वेन के बीच में वो वॉचेबल था डायलॉग्स अच्छी तरह से लिखे गए थे डेप्थ थे उसमें और इसके अलावा वॉइस और आर्टिस्ट की तरफ से काफ़ी बढ़िया काम किया गया था ओवरऑल इस फिल्म में ये सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी हाँ कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको सुधारा जा सकता था डायरेक्शन निरेशन फिल्म का काफ़ी नीट नज़र आता है इसके अलावा बैकग्राउंड स्कोर भी काफ़ी बढ़िया था विजुअल्स काफ़ी स्टनिंग नजर आते तो प्रोडक्शन वैल्यू तो वैसे भी काफ़ी टॉप टोप रही थी एडिटिंग में थोड़ी चीज़ें और ऐसी थी अननेसेसरी सेंस से जिसको चॉप अप किया जा सकता था जिसके चलते ये पाँच दस मिनट और छोटी हो जाती फिल्म क्रिस्प हो जाती बढ़िया हो जाती ओवरऑल विजुअली एन्जॉएबल फिल्म है जहाँ पे एंगेजिंग स्टोरी लाइन तो वैसी डीप में नहीं है पर लेकिन पार्ट्स वाइज फिल्म अच्छी वर्क करती है ये फिल्म वैसे कोई डिसअपॉइंट तो नहीं करेगी क्योंकि फिल्म में जिस तरह चीज़ों को दिखाया वो बढ़िया है तो इस फिल्म को आप जरूर देख सकते हो अब बात कर ले कैसे कहाँ पर इस फिल्म को ऑफिशियली देख सकते हो उसके ऊपर तो इस फिल्म को ऑफिशियली आप देख सकते हो जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर अमेज़न प्राइम वीडियो ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को रेंटली अवेलेबल किया हुआ है जी फाइव के ऊपर थ्री नाइन्टी नाइन में और अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर थ्री नाइन्टी नाइन में दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर आपको ये फ़िल्म काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेजेज़ में देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म में हिंदी तमिल तेलुगु गुजराती इंग्लिश मराठी सभी वर्जन अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर अवेलेबल है तो वहाँ पर इन्जॉय कर सकते हो इसके अलावा स्पाइडर मैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स जो फिल्म है वो एक अच्छी फिल्म है इसे देखना चाहिए जहाँ पे इस फिल्म का अगर आपको ओ वर्जन नहीं देख पा रहे हो तो सैटेलाइट वर्जन है वो सोनी वालों ने खरीदा हुआ है तो सोनी में एक सोनी में एक्स एच डी चैनल के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन स्पाइडर मैन द स्पाइडर वर्स बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ स्पाइडर मैन एक द स्पाइडर वर्स जो फिल्म है उसको आप सी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर फ़िलहाल में थ्री नाइन्टी नाइन रुपीज़ पे करके ऑफिशियली देख सकते हो इसके अलावा इस फिल्म को वहाँ पे मल्टीपल लैंगवेजेज में अवेलेबल किया हुआ है फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो सोनी मैक्स के पास है तो उन्होंने इस फिल्म को कई बार प्रीमियर करवाया हुआ है तो स्पाइडर मैन एक्रोस द स्पाइडर वर्स फिल्म वहाँ पर हिंदी वर्जन में आप बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से स्पाइडर में नेक्रोस स्पाइडर वर्स फिल्म आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में OTT और प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे तो बस गए स्पाइडर मैन एकर द स्पाइडर बस फिल्म के ऊपर जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थी जो बातें थी वो मैंने शेयर कर दिया है फिल्म को किस तरह से कैसे ऑफिशियली देख सकते हो उसकी जानकारी दी हुई है इसके अलावा बॉक्स ऑफिस के ऊपर एनालिस किए हुई है फिल्म का रिव्यू किया हुआ है अलग अलग इस पर ऊपर बातचीत की हुई है आर्टिस्ट के बारे में डिटेलिंग दी हुई है और फिल्म से जुड़े सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो भी मैंने शेयर कर दिए तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू